Good afternoon, everyone.

साथ ही में जो लॉ ऑफ डॉट्स है वो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है है ना हर कॉलेज में इनिशियल ईयर्स में आप लोगों के सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाया जाता है लॉ कॉलेज में तो इसीलिए हम इसको उस तरह से भी पढ़ेंगे कि जो लॉ कॉलेज के बच्चे हैं अभी कॉलेज में हैं उनका भी थोड़ा सा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए ठीक है तो विल स्टार्ट विथ टॉपिक और जो पहला सबसे पहले तो हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमें करने हैं. पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे देखने वाले हैं, हम का, कि है, क्या कहा से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड क्या टर्म है क्या मीनिंग है उसका ठीक है ये सब चीजें देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे एक आध कई सारे जूरिस्ट के डेफिनेशन है जिनकी आपको पी डी एफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे लिख के अगर आप लोगों ने एलेक को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लिंक बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एलेक uh, के इंस्टाग्राम हैंडल uh, की और साथ ही में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी वहां पे जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जितने भी आज uh, के लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ uh, हैं जो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगी वो पी वहां डल जाएंगे शाम तक uh, या कल तक तो आप वहां से वो पीडीएफ अवेल कर सकते हैं देन तो उन डेफिनेशन को हम सारे डेफिनेशन को हम नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को हम डिस्क, डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जित जु, जितनी भी चीजें हैं स्कोप है, है जैसे आपके लॉ ऑफ टॉट्स का कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्या पर्पज है किस हद तक लॉ ऑफ टॉट्स का एप्लीकेशन अवेलेबल है ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे देन अगला टॉपिक है आपका इसेंशियल्स का टॉर्ट कमिट करने के लिए या एक टॉर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या इसेंशियल्स होंगे ये बात हम डिस्कस करेंगे आज के लाइव में नेचर क्या है टॉर्ट का और टॉर्ट का जब हम नेचर पढ़ेंगे तो हम साथ पहले पढ़ेंगे हम और लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में एज सच uh, कुछ बहुत कॉन्क्रीट uh, कंटेंट uh, नहीं है इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कंपेयर करके पढ़ा जाता है इट्स अंग है ना ये तो हम जानते हैं कि सिविल रोंग है तो उसको हम इन कंपेरिजन विद अदर ऑफेंसेज या अदर लॉज पढ़ते हैं चलिए फिर आते हैं इसके जनरल एलिमेंट्स पे जनरल एलिमेंट्स में आ, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे Uh, फिर जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे और कैपेसिटी पढ़ेंगे यानी कि लॉ ऑफ टॉट्स में आप किसको कर सकते हो कौन हो सकता है ठीक है तो कुछ रिलेशनशिप्स के माध्यम से बहुत, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो लॉ कॉलेजेस में है वो डेफिनेटली इसके साथ डील कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तो वाइकैरियस लाइबिलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रिमोटनेस ऑफ एक कॉन्सेप्ट है जो हम शॉर्ट uh, में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ में जाने का कोई सेंस नहीं है वहां पर ट्रेस पास टू पर्सन अब ट्रेस पास टू पर्सन एज एन किसी भी पर्सन की आ, किसी राइट को एनक्रोच करना पढ़ने वाले हैं डिफेमेशन पढ़ेंगे न्यूसेंस पढ़ेंगे और नेग्लिजेंस पढ़ेंगे ठीक है ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं सो चलते हैं हम आगे जिन भी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आगे बढ़ते हैं

अगर हम इंग्लिश में जाए तो सिर्फ इंग्लिश में उसका इक्वेविलेंट है रोंग ठीक है इंग्लिश में टॉट का इक्वेविलेंट क्या है रॉन्ग है सो जस्ट रिमेंबर टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड टॉटम इज अ लैटिन वर्ड एंड टॉट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड टॉटम ठीक है और उसका इंग्लिश इक्वेविलेंट क्या है रोंग So, uh, basically law of क्या है? जब भी अगर किसी को कोई डैमेज हुआ है कोई इंजरी हुई है किसी पर्सन को इंडिविजुअल को और वो अः सिविल सूट के द्वारा अपने डैमेजेस रिकवर कर सकता है या अपने आप को कॉम्पनसेट कर सकता है तो हम उसे क्या कहते हैं लॉ ऑफ टॉट्स में सू करना कहते हैं या लॉ ऑफ टॉट्स का इन्फेक्शन uh, कहते हैं ठीक है और अच्छा आप कब जाएंगे कब सिविल सूट आप फाइल करेंगे जब आपका कोई राइट जो है वो वायलेट हुआ है या फिर किसी व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है ठीक है जब भी किसी व्यक्ति की कोई ड्यूटी है और वो उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है तो उस ड्यूटी की वजह से हमेशा किसी ना किसी का राइट जो है वो वायलेट होगा तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी ब्रीच करता है और किसी का राइट वायलेट होता है तो हम क्या मानते हैं कि टॉर्ट कमिट हुआ है और उस परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या कर सकता है जाकर के एक सिविल सूट फाइल कर सकता है ठीक है अच्छा अब जरूरत क्यों है अच्छा क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट मैंने बोला कि एक सिविल सूट के माध्यम से आप अपना लाइबिलिटी रिकवर कर सकते हैं और किसी सिविल रॉन्ग के लिए ही होता है इज कॉल्ड ना जब फर्स्ट जब में, में जब भी पढ़ते हो आप तो क्या स्टेटमेंट सुनने को मिलता है वो हम आगे देखते हैं ठीक है थीके? जब हम पर्पस पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्यों टॉर्ट को सिविल रॉन्ग कहा गया है उसके पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है दो इंपॉर्टेंट देखेंगे एक साल का और एक विनफिल्ड का ठीक है विनफिल्ड और सालन के दो, दोनों के डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों के डेफिनेशंस में से हमने जो हमारे एलिमेंट है टॉट है वो ओरिजिन वो डेवलप किए हैं सालमन कहते हैं इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अमन लॉ एक्शन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लीगेशन ठीक है सबसे पहले तो सामने क्या कहा है कि टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी अवेलेबल है कॉमन लॉ में ठीक है दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए आप अपने आप को कॉम्पेंसेट कैसे कर सकते हो या इसके लिए जो विक्टिम है वो अपने आप को कॉम्पनसेट कैसे करता है थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और तीसरा उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि टॉर्ट जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच या ट्रस्ट के ब्रीच या किसी और इक्विटेबल रॉन्ग से या इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से अलग है ठीक है उनके जैसा नहीं है उनसे थोड़ा सा अलग है ये उन्होंने तीन कॉमन चीजें बताई इसीलिए जब मैंने बोला था कि हम जब नेचर पढ़ेंगे टॉर्ट का तो हम उसे बाकी के ऑब्लिगेशन से डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि वो जरूरी है उसको समझाने टॉर्ट को समझाने के लिए बाकियों के साथ उसका कंपेरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटल है अब है, और कैसा सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए में है। कि अगर ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि अगर कोई इंसान ऐसा कोई एक्ट कोई पर्टिकुलर एक ऑफेंस करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है तभी वो रॉन्ग जो है आपका टॉर्ट के रूप में क्या होगा रिकॉग्नाइज होगा यानी कि अगर कानून में लिखा है कि इसके लिए रेमेडी है तो ही वो कानून रिकोगनाइज होगा इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा सा और डिटेल में अब विनफील्ड का डेफिनेशन देखते हैं टॉट इज अबिलिटी दैट अराइजेस फ्रॉम

अब जिस व्यक्ति के प्रति वो टॉर्ट कमिट हुआ है या आपके ड्यूटी ब्रीच करने से जिसको नुकसान हुआ है वो व्यक्ति अपने आप को रिड्रेस कर सकता है कैसे अनलिक्विडेटेड से अनलिक्विडेटेड का अर्थ क्या होता है एक बात याद रखना टॉर्ट की इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है एक तो टॉर्ट का नेचर कैसा है सिविल है ठीक है सिविल रॉन्ग है रेमेडी कहाँ अवेलेबल है इन कॉमन लॉ अगली बात क्या है रिड्रेसेब by unliquidated unliquidated damages यानी कि कि का अर्थ होता है ऐसे damages जो कि पहले से fixed नहीं है ठीक है अब ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं पता कि आप कोई टॉट कार्य करेंगे या आप कोई टॉट कमिट करेंगे तो मैं कैसे ऑलरेडी आपके साथ में एक अमाउंट फिक्स कर सकती हूँ कि अगर आपने कल को ऐसा किया तो आप मुझे इतना पैसा देंगे क्योंकि वो अमाउंट तय नहीं है इसीलिए अनलिक्विडेटेड है ठीक है ऐसा डैमेज uh, या ऐसा पैसा या ऐसा कॉम्पनसेशन जिसको हमने पहले से कैलकुलेट या फॉर्मुलेट नहीं किया हुआ है ठीक है जनरली अपन कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम कहते हैं कि अगर आपने ब्रीच किया तो आप फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट का इतना वैल्यू जो है कॉम्पनसेट करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू था ओरिजिनल वैल्यू था प्लस इतना इंटरेस्ट आप मुझे अः कॉम्पनसेट कॉम्पनसेशन में देंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ कुछ पहले से तय नहीं है इसीलिए उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है ठीक है ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी जो है वो आप सबको मिल जाएंगे अब चलते हैं अपन स्कोप स्कोप के ऊपर कि स्कोप या पर्पस क्या है आपके लॉ ऑफ टॉट्स का तो सबसे पहले इट ट्राइज टू एंश्योर अ रीजनेबल बिहेवियर ऑफ पीपल क्योंकि लोगों का रीजनेबल बिहेवियर या लोगों का सिविक बिहेवियर जो है ल, लाने की कोशिश करता है या मेंटेन कोशिश करने की कोशिश करता है या सिक्योर करने की कोशिश करता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट इसीलिए उसको सिविल रॉन्ग कहा गया टॉर्ट को क्या कहा गया सिविल रॉन्ग जब भी आप सिविल सोसाइटी में या समथिंग दैट इज अगेंस्ट द सिविल सोसाइटी करेंगे ऐसा कुछ करेंगे जो कि एक सिविक मैन का एक्शन नहीं होना चाहिए तो वो टॉर्ट हो जाएगा है ना क्यों उसको टॉर्ट की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ड का काम ही है सोसाइटी में एक सिविल बिहेवियर या एक प्रॉपर रीजनेबल बिहेवियर क्या करना करना दूसरा उसका पर्पस क्या है राइट ऑफ ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करना लोगों के अधिकारों को जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनके राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारा क्या है अगला एजेंडा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का तीसरी चीज है रिड्रेसिबल ऑफ इंजरी अब आपको एक सिविल बिहेवियर रखना था सोसाइटी में आपने नहीं रखा आपने क्या किया आपने कोई ऐसी चीज कोई ऐसी हरकत कर दी मान लीजिए कचरा आपको नहीं फेंकना है हा हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं हमें पता है कि अगर हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकेंगे यहाँ वहां लिटरिंग करेंगे तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी गंदी दिखेगी और साथ ही में बीमारियां फैलेगी हमने उस चीज को नहीं किया हमने सिविक बिहेवियर नहीं दिखाते हुए इधर उधर कचरा फेंकना शुरू कर दिया ठीक है उसकी वजह से कोई एक व्यक्ति जिसने अपना बहुत सुंदर गार्डन बनाया है वहां पर बहुत सारे स्कैवेंजर्स या गंदे गंदे जानवर आकर के पिक करने लग गए ठीक है गंदगी करने लग गए उन, आ, उन जानवरों की वजह से वहां और गंदगी होने लग गई ठीक है वो जानवर वहां पलने लग गए तो क्या हुआ किसी व्यक्ति ने जिसने अपना अच्छा सा सुंदर सा सुंदर गार्डन बनाया था उसका राइट जो है वो इन्फ्लिक्ट उसका राइट जो है वो हो गया कि अब किसी एक या उसके घर के आसपास मच्छर बहुत हो गए और उस मच्छर की वजह से बीमारियां होने लगे लग घर में तो आपने उस व्यक्ति का जो राइट टू हैव अ हेल्दी लाइफ है राइट टू नॉट बी यू नो बी इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है वो सब इन्फ्लुएंज हुआ तो अब क्या होगा अब आपके पास में अधिकार है उस व्यक्ति का आपने एक बार तो उसका जो पीसफुली रहने का राइट था वो आपने एनक्रोच कर दिया अपने अनसिविक बिहेवियर से तो अब उस व्यक्ति के पास में अपनी इंजुरी के लिए रिड्रेस होने का ऑप्शन रहे कॉम्पनसेट होने का ऑप्शन रहे इस बात को इंश्योर करता है आपका लॉ ऑफ टॉट्स ठीक है और किस तरह से करता है कि भाई कुछ रेमिडीज प्रोवाइडेड है रिड्रेसल के तरीके प्रोवाइडेड है आपके लॉ ऑफ टॉट्स में उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो अपने आप को रिड्रेस कर सकते हो जो आपकी इंजुरीज है उनको आप क्या कर सकते हो कॉम्पनसेट कर सकते हो फिर है अब देखो बार बार इंटरेस्ट की बात हुई है इंजुरी कब होगी जब किसी का इंटरेस्ट हैम्पर पर होगा तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि इंटरेस्ट क्या होता है अब इंटरेस्ट जो है

द लॉ ऑफ साथ ही में अब इंटरेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड दोनों होता है ठीक है अब क्वालिफाइड इंटरेस्ट क्या होता है क्वालिफाइड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसके लिए आपको प्राइम ऑफिसाई प्रूव करना पड़े कि भाई हमें एक्चुअल में कुछ डैमेज हुआ है देर हैज बीन सम इंजुरी और आपका अब एप्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसका प्रोटेक्शन तो लॉ ने करना ही करना है इेस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या इंजुरी हुई है या क्या इंजुरी नहीं हुई है यानी कि अगर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं भी हुआ है तो भी अगर आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है या लॉ में उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन अवेलेबल है तो हम उसे क्या कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहते हैं ठीक है थीके? और नॉट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है या फिर क्वालिफाइड इंटरेस्ट क्या है ऐसा इंटरेस्ट जिसके लिए आपको एक्चुअल डैमेजेस प्रूव करने पड़े कॉम्पनसेशन लेने से पहले ठीक है इसीलिए इसको एक्शनेबल पर से भी कहते हैं इसको अपन आगे और आ, डिटेल में आ, पढ़ेंगे ठीक है अब इसशियल्स देख लो भाई इसेंशियल्स क्या होते हैं

तो वो क्या हो जाएगा सही काम को गलत तरीके से करना क्या हुआ कि आपको जो है एक आपको जाकर के शूज खरीद के लेकर के आने थे एक पेयर आप गए शूज खरीदने के लिए आपने डिस्काउंट मांगा उसे डिस्काउंट नहीं दिया आपने उसको दो चार थप्पड़ पड़ मार दिया और उसे डिस्काउंट लेकर के आप आ गए तो ये क्या हुआ काम तो आप सही करने गए थे काम तो आप लीगल करने गए थे जूता खरीदने के लिए गए थे लेकिन जो आपने वहां पर मारपीट कर दी वो क्या हो गई आपका इन काम हो गया तो ये आपने क्या कर दिया यू हैव डन समथिंग करेक्ट इन एन इनकरेक्ट मैनर तो जब आप लीगल काम को इन तरीके से या इनकरेक्ट तरीके से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा या फिर आपका एक्ट ही रॉन्ग था यानी कि आप चोरी ही करने गए थे जूते की दुकान में तो वो एक्ट अपने आप में गलत था तो ये सब दो चीजें दो तरीके से रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है एक सही काम को गलत तरीके से करना या फिर गलत काम ही करना दूसरा है आपका रॉन्गफुल uh, ओमिशन अब रॉन्गफुल ओमिशन क्या होता है रॉन्गफुल एक्ट होता है तो जो काम मना है उसको कर देना और रॉन्गफुल ओमिशन होता है कि आपके ऊपर एक काम आपको एक काम सौंपा गया था आपने वो काम नहीं किया गया आपने वो काम नहीं किया मेरा काम है आपको यहाँ करके पढ़ाना ठीक है मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना और मैंने वो नहीं पूरी करी मैं आई आपसे यहाँ पर गप्पे मार करके चली गई तो ये क्या हो गया ओमिशन हो गया मैंने अपनी ड्यूटी नहीं करी तो ये रॉन्गफुल ओमिशन है जब आप कुछ नहीं करते हो तब उसको क्या कहा जाता है ओमिशन कहा जाता है अब आपका ओमिशन रॉन्गफुल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपके ओमिशन से रिलेटेड एक ड्यूटी थी ठीक है किस चीज किस चीज को ओमिट करोगे किसी ड्यूटी को ओमिट करोगे है ना तो अब अगर आपकी लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कोई ड्यूटी थी और उसको आप नहीं करते हो पूरा तो वो रॉन्गफुल ओमिशन uh, कहलाता है ठीक है देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ गुड आफ्टरनून हिमानी चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि एक बच्चा डूब रहा था ठीक है पानी में एक बच्चा डूब रहा था आपने देखा आप मान लीजिए शाहपुरा लेक के पास से निकल रहे हैं आपने देखा एक बच्चा डूब रहा है आप वहीं गार्डन में बैठे हुए थे आपको स्विमिंग भी आता है बट आप कूदे नहीं उसको बचाने के लिए ठीक है अब मुझे बताइए कि क्या ये रॉन्गफुल ओमिशन है क्योंकि आपको कुछ करना था आपने नहीं किया

तो उसका फुलफिलमेंट जरूरी नहीं है अनलेस लॉ भी उसे रिकग्नाइज कर ले ठीक है तो क्यो, अब क्योंकि मॉरल ड्यूटी नहीं है मेरी तो मैंने नहीं बचाया उस बच्चे को और क्योंकि मैं, मैंने और जो मैंने ओमिशन किया वो लॉ के द्वारा रिकोगनाइज भी नहीं था एज माई ड्यूटी तो इसीलिए मैं पनिशेबल नहीं हूँगी इसीलिए ओमिशन के लिए पनिशमेंट अगर आप किसी को दिलवाना चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो चीज उसने ओमिट करी है करने से या जो चीज वो उसने वो चूक गया करने से वो उसकी ड्यूटी थी एक्चुअल में अब वहीं अगर एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा है और वहीं पर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है और वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर उसको नहीं बचाता है तो इन दैट सिचुएशन ही पनिशेबल क्यों पनिशेबल होगा क्योंकि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है कि जितने भी बच्चे वहां तैर रहे हैं उनका ख्याल रखे ध्यान रखे कितने बच्चे हैं गिन गिनके रखे हाँ पांच बच्चे तैर रहे हैं कहीं भी एक भी सर कम नहीं दिखना चाहिए स्विमिंग पूल के अंदर या एक भी बॉडी जो है सिंकिंग नहीं दिखनी चाहिए पूल के अंदर तो अगर वो बच्चा डूब रहा है और आप तब पानी में नहीं कूदे तो वो क्या हो जाएगा ओमिशन ऑफ योर लीगल ड्यूटी हो जाएगा एंड देन इट विल बी अ रॉन्गफुल ओमिशन ठीक है समझ में आया बस इतनी सी बात याद रखना की ओमिशन को रॉन्गफुल होने के लिए हमेशा तभी ओमिशन रॉन्गफुल होगा जब इट इज रिक्नाइज बाय लॉ अगर रिकग्नाइज बाय लॉ नहीं है सिर्फ एक सोशल या मॉरल ऑब्लिगेशन है तो वो फिर रॉन्गफुल ओमिशन नहीं होगा कभी भी ठीक है तो आ, आ, यहां तक हो गया आपका रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन अच्छा कोई भी रॉन्गफुल ओमिशन या एक्ट जो कि आपके राइट right को इन्फ्रिंज करता है वो क्या होगा वो पनिशेबल होगा आपके लॉ ऑफ टॉर्च में अब राइट्स भी दो तरीके के होते हैं एक होते हैं पब्लिक राइट्स एक होते हैं प्राइवेट राइट्स ठीक है बिलोंग टू द मेंबर ऑफ अ स्टेट इन कॉमन ऐसे कोई भी अधिकार जो मेंबर ऑफ स्टेट्स को पूरे एज एज कॉमन जनरल पब्लिक को बिलोंग करते हैं दोज आर योर प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं कि भाई पर्सनली मेरे लिए एक्सक्लूसिवली मेरा अधिकार है वो आपका प्राइवेट राइट right हो जाएगा फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है डैमेज अब देखिए डैमेज अगर आप मांगते हैं तो क्या होना चाहिए पहले आपको इंजुरी प्रूव करनी पड़ेगी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में कोई इंजुरी हुई है डैमेज बेसिकली क्या है या बेसिकली क्या है कोई भी हार्म या लॉस ठीक है कोई भी पेक्यूनरी लॉस आपके रेप्यूटेशन को लॉस ये सब चीजें क्या है ये डैमेजेस है बेसिकली ठीक है अगर कोई भी आपको आ, कोई हार्म या लॉस होता है जो कि आपने किस वजह से सफर किया है या प्रज्यूम किया जा रहा है कि किस वजह से सफर किया है आपने किसी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन की वजह से तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अब क्या हर इंजुरी कॉम्पनसेट जा, करी जाएगी लॉ के द्वारा तो वो अपन देख लेते हैं ठीक है अब देखिए दो केसेस हैं इसमें तीन केसेस हैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट केसेस हैं बहुत कॉमनली हम पढ़ते भी हैं लॉ ऑफ टॉर्च में पहला देखो अब कोई भी राइट जैसे हमने पीछे देखा था राइट जो है एब्सोल्यूट होगा या फिर क्वालिफाइड होगा अब एक हो गया आपका इंजुरिया साइन डेमिनम ठीक है इंजुरिया साइन डेमनम का मतलब क्या होता है इंजुरी विदाउट डैमेजेस अब यहां पे डैमेज और इंजुरी में डिफरेंस uh, देखना इंजुरी मतलब आपका राइट right जो है उसका इंफ्रिजमेंट हुआ और डैमेज को ऐसे लो कि आपको उससे कोई स्पेसिफिक लॉस नहीं हुआ या आपको कोई पैसे का लॉस नहीं हुआ कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ उससे ठीक है या आपकी रेपुटेशन को कोई लॉस नहीं हुआ उससे तो दिस इज इंजुरी विदाउट डैमेज और ये एब्सोल्यूट राइट right को प्रोटेक्ट करती है जब भी आपका कोई एब्सोल्यूट राइट right है तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि आपको डैमेज कितना हुआ कोर्ट आपको बिना किसी स्पेसिफिक डैमेज प्रूव किए भी क्या देगा आपको कॉम्पनसेशन दे देगा क्यों क्योंकि कोर्ट मान के चल रहा है कि डैमेज नहीं हुआ है लेकिन इंजुरी तो हुई है इंजुरी का मतलब क्या आपका राइट right तो हैम्पर uh, हुआ है देखो मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ एक केस दो केस है एशबी बी वर्सेज व्हाइट और आपका एक भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है अब इन दोनों केसेस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो है वोट देने जा रहा था वोट कास्ट करने जा रहा था ठीक है अब उसको आपने रोक दिया उस दिन वोट डालने से बाद में कोर्ट आ, के सामने जब ये पिटीशन आया कोर्ट के सामने उस व्यक्ति ने आ, एक पिटीशन डाला कि आपने मुझसे मेरा अधिकार छीना वोट डालने का इसीलिए मैं कंपनसेशन मांगता हूं स्टेट से मैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भीम सिंह ने कहा भीम सिंह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शायद से ठीक है तो उन्होंने नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही या लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस में वो वोट डालने जा रहे थे और वहां पर साथ कि उनको वोट डालने से रोक दिया गया तो उन्होंने इसके अगेंस्ट uh, में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि देखो आप जिस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहे थे ना वो कैंडिडेट वैसे भी जीत गया ठीक है मान लीजिए कि मैं वोट डालने जाती हूँ किसी कैंडिडेट uh, ए को मुझे बी के कैंडिडेट बी कैंडिडेट के जो सपोर्टर्स थे या बी कैंडिडेट जिसकी सरकार थी स्टेट uh, में उसके लोगों उस सरकार ने मुझे रोक लिया ठीक है उन पुलिस वालों ने आकर के मुझे रोक लिया क्योंकि उनको पता था कि मैं कैंडिडेट ए को वोट डाले जाऊंगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरे साथ में और दस एक लोग थे उन सबको रोक लिया अब लेकिन ये जो ए कैंडिडेट है वो जीत गया इलेक्शन तो सरकार क्या कह रही है मुझसे कोर्ट अब कोर्ट में मुझसे आके स्टेट क्या आर्ग्यू कर रहा है कि आपका जो कैंडिडेट था वो तो जीत ही गया तो आपको कोई डैमेज तो हुआ नहीं है आपको टेक्निकली कोई डैमेज नहीं हुआ तो आप किस बात का कॉम्पोजेशन मांग रहे हो तो उसमें अपहेल्ड किया कि भाई आपका राइट टू वोट जो है ना वो एब्सोल्यूट राइट है एब्सोल्यूट राइट मतलब कि अब इस राइट के लिए आपको कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है इस राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है काफी है इतना आपको वोट आपको वोट डालना था आप वोट नहीं डाल पाए बस बात खत्म अब आपको इसके लिए कॉम्पनेशन देना ही पड़ेगा चाहे आपका कैंडिडेट जीता हो या हारा हो आपको कोई डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो ठीक है एंड सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट है डैमेज विदाउट इंजुरी ठीक है इसको भी एग्जाम्पल से समझाती हूं ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या होता है कि एक लोकलिटी में एक स्कूल ऑलरेडी चल रहा होता है दूसरा स्कूल वहां रीओपन हो जाता मतलब नया एक स्कूल वहां ओपन होता है और उस स्कूल की वजह से जो पहले वाला स्कूल था उसको बहुत लॉसेस होता है ठीक है बच्चे यहाँ से जा, वहां जाकर के एडमिशन कराने लग जाते हैं तो अब इसकी वजह से जो उनको लॉस होता है तो ये पुराना वाला स्कूल जो है जो पहले से स्टैब्लिश था वो केस फाइल करता है इस नए स्कूल के अगेंस्ट की भाई मुझे जो है आप स्कूल बंद करवाओ इनका इनकी वजह से मुझे बहुत पेक्युलरी लॉसेज हो रहे हैं मुझे बहुत मॉनिटरी लॉसेज हो रहे हैं मुझे इसके लिए डैमेजेस दिलवाओ स्कूल से ठीक है तो कोर्ट उस समय क्लियरली कहता है कि देखो आपको कोई इंजुरी नहीं हुई है हम समझते हैं कि आपके पैसे का नुकसान हुआ है आपके जो बच्चों के एडमिशन थे अगर आपके 500 सौ एडमिशन हो रहे थे तो अब आपके 250 सौ एडमिशन हो रहे हैं आपको पैसे से बहुत नुकसान हुआ है हम ये बात समझते हैं लेकिन आपको कोई इंजुरी नहीं हुई है और जब वो इंजुरी कहते हैं तो इंजुरी का अर्थ है कोई आपका लीगल राइट हैम्पर नहीं हुआ है क्यों लीगल राइट हैम्पर नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कहीं भी कानून नहीं लिखा है कि इस पर्टिकुलर लोकैलिटी में सिर्फ आप ही स्कूल चलाएंगे वहां पर कोई भी स्कूल चला सकता है तो भाई ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है स्कूल ही चला रहा है अपना खुद का तो इसीलिए आपको

वो सॉरी टॉर्ट होने का वो है लीगल रेमेडी दैट इज देर मस्ट बी अ लीगल रेमेडी इफ यू वांट टू प्रूव की कोई टॉर्ट आपके साथ और का मतलब क्या है? कि आपका जो, आप जिस एक्शन को कंप्लेन कर रहे हो ना वो एक्शन एक्चुअली कोर्ट के आप लॉ के द्वारा क्या होना चाहिए प्रेस्क्राइब होना चाहिए एज एन ऑफेंस ठीक है देखो एक मैग्जिम uh, है यू बी जस्ट आई बी रेमिडियम विच मीन्स वेयर देर इज नो रॉन्ग सॉरी देर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी क्या अर्थ है इसका देर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी ठीक है बिना किसी रेमेडी के कोई गलत हो ही नहीं सकता अगर कहीं पर लॉ ने कोई कॉम्पनसेशन बताया ही नहीं है तो क्या मान के चल रहे हैं हम कि फिर वो कोई अपराध अपराध है ही नहीं मतलब जिस चीज की सजा नहीं है वो चीज अपराध नहीं है सिंपल सी बात कह रहा है ठीक है तो ये आपका यूबीजेस आई बी रेमेडियम कहता है इसीलिए अगर आप लॉ ऑफ टॉट्स में आप चाहते हैं कि आपको कॉम्पनसेशन मिले तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि कानून के द्वारा एक रेमेडी प्रेस्क्राइब्ड है इस ऑफेंस के लिए तभी आपको उस एक्ट को क्या माना जाएगा ऑफेंस माना जाएगा गुड आफ्टरनून शालिनी चलो ठीक है अच्छा इन अदर वर्ड्स क्या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर भी देखो यू बीजेस आई बी रेमिडियम का बेसिक अर्थ क्या है देर इज नो राइट विदाउट देर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी ठीक है यानी कि अगर कोई चीज गलत है तो उसके लिए रेमेडी जरूर होगी लेकिन हम इसको इस तरह से भी इन्फर कर सकते हैं ना कि वेर देर इज नो लीगल रेमेडी देर इज नो लीगल रॉन्ग क्या क्या ये मैग्जिम ऐसा भी हम इसको इन्फर कर सकते हैं कि जहां पर अगर कोई रेमेडी नहीं है तो वहां पर कोई गलती भी नहीं है मतलब अगर मैंने कहीं सजा प्रिस्क्राइब नहीं करी हुई है तो फिर मैं उस बात को अपराध ही नहीं मान रही हूँ तो इसीलिए लॉ ऑफ टॉट्स में आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देर इज अ लीगल रेमेडी देर इज अ लीगल रिजॉर्ट टू योर प्रॉब्लम ओनली देन योर प्रॉब्लम विल बी काउंटेड एज अ प्रॉब्लम अदरवाइज इट इज जस्ट अ मेयर इवेंट ठीक है चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ टॉट ठीक है फीचर्स ऑफ टॉट की अगर हम बात करें तो अच्छा एक और देखो एक और चीज मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ठीक है लीगल रेमेडी जो है ना क्यों बेसिकली लीगल रेमेडी वाला ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं यू आई आईबीर रेमेडियम वाला देखो टॉट सिविल इंजुरी जो है ना हर एक ऑफेंस सॉरी uh, हर एक एवरी टॉट इज अ सिविल इंजुरी ठीक है टॉट क्या होता है सिविल इंजुरी होता है लेकिन सारी सिविल टॉट नहीं होती है टॉट इज अ सिविल इंजुरी बट ऑल सिविल इंजुरीज आर नॉट टॉट यानी कि एक बड़ा सर्कल है सिविल इंजरीज ठीक है ये आपके सिविल इंजुरीज है और ये एक छोटा सर्कल जो है यहाँ पे वो टॉट है यानी कि जितने भी टॉट है वो सब तो सिविल इंजुरी है

अब अपना टॉपिक है नेक्स्ट uh, हाँ हां वर्सेस वाइट का केस और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस था uh, uh, आपके डेमिनम साइन इंजुरिया में साइन डेमिनम इंजुरिया में और uh, Sign में आपका केस था Gloucester Grammar School वाला, ठीक है? है है अब अब next है है, taught. अब चलो, जो टॉपिक वो अगर हम फीचर्स की बात करें तो इट इज अविल रॉन्ग सबसे पहली बात हमारे सामने क्या है कि टॉर्ट क्या है आपका एक सिविल रॉन्ग है सिविल रॉन्ग का अर्थ क्या हुआ इट इज इट्स बेसिक नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग क्रिमिनल रोंग से क्या है अलग है इन सिविल केसेस द विक्टिम इज कॉम्पनसेटेड क्यों है क्योंकि सिविल केस में या टॉर्ट के केस में आपको कॉम्पनसेशन मिलता है वेरेज क्रिमिनल केस में पनिशमेंट मिलता है ठीक है सिविल रॉ टॉर्ट का काम है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है आप उसे कॉम्पनसेट कर दो ठीक है वेरेज अगर आप क्रिमिनल का अप्रोच देखोगे तो क्रिमिनल लॉ का अप्रोच ये होता है कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसको पनिशमेंट मिल जाए ताकि सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है ठीक है तो इसीलिए सिविल रॉन्ग जो है ना वो हमेशा पर्सन के खुद के इंटरेस्ट के लिए जो इम्पैक्ट हुआ है ना उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता वेर एस क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल लॉ जो है वो सोसाइटी एट लार्ज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है चलो अब दूसरा फीचर जो है वो है tort is other than mere breach of contract or trust tort को क्या क्या है किया गया है कि सिर्फ breach of contract है breach of trust की बात नहीं है यहाँ पर इट इज a slightly different act than uh, both of the above ठीक है it says an act could be both tort and breach of contract or trust but damage can only be claimed under one law and it cannot be claimed twice देखो अब मान लो कि मैंने एक घोड़ा मेरे पास एक घोड़ा था या मेरे पास कोई मेरा पेट था मैंने वो पेट किसी को थोड़े दिन के लिए �

उसने नेग्लिजेंस दिखाया उसने आपके जान, आपके पेट को खाना नहीं दिया ये उसने क्या किया नेग्लेक्ट किया आपके उस डॉग की केयर हेल्थ ठीक है और उसने उसको खाना नहीं दे करके इस ये नेग्लिजेंस दिखाई अब नेग्लिजेंस क्या है नेग्लिजेंस अपने आप में एक टॉर्ट है तो दोनों ऑफेंसेस कमिटेड हो गए कमिट हो गए ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी और ब्रीच ऑफ टॉर्ट सॉरी टॉर्ट भी कमिट हो गया लेकिन आप पनिशमेंट जो है ना या आप जो कॉम्पनसेशन है वो किसी एक कानून में ही मांग सकते हो तो एक कोई एक्ट या एक कोई लॉस आपको दो चीजें कवर कर सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है आपका टॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पर अपना कॉम्पनसेशन मांगते हो सिर्फ एक ही जगह मांग सकते हो दोनों जगह नहीं मांग सकते

क्या है ये बेसिकली इस अनलिक्विडेटेड अनलिक्डेटे की यहाँ बात हुई है और भी तरह के रेमेडीज हैं जैसे इंजंक्शन हो गया रेमेडी है अगर आपको लगता है कि यार कोई न्यूसेंस हो हो रहा है, कोई हो रहा है है कोई ट्रेसपास तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करा सकते हो है ना इंजंक्शन के थ्रू तो वो भी एक रेमेडी अवेलेबल है टॉर्ट में बट डेमेजेस इज द बेस्ट इंजुरी बेस्ट रेमेडी अवेलेबल इन दी लॉ ऑफ टॉर्ट्स फिर आता है अब देखो अब जो हम डिस्कस करेंगे ना वो है टॉर्ट का नेचर बाई द वे ऑफ आपका डिफरेंशिएटिंग इट बिटवीन डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर्स ठीक है अब देखो सबसे पहली चीज है क्राइम के साथ में डिफरेंशिएट करो अब क्राइम के साथ में डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी काम है क्यों क्योंकि बहुत बेसिक सिंपल सिंपल सी बात है जो आपका टॉट है वो लेस सीरियस है इट इज अ लेस सीरियस ऑफेंस लेस सीरियस दिस इज मोर सीरियस ठीक है ये क्या होता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट सोसाइटी क्राइम हमेशा अगेंस्ट सोसाइटी होता है ठीक है इसमें आपको कॉम्प डैमेजेस कैसे दिए जाते हैं कॉम्पनसेट किया जाता है जो विक्टिम है यहां पर जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिशमेंट दिया जाता है फिर उसके बाद में आपका जो केस है यहां पर अगर मुझे सू करना है तो जो विक्टिम है विक्टिम सू विक्टिम विल प्रोसिक्यूट मी विल प्रोसिक्यूट यहां पर स्टेट विल प्रोसिक्यूट स्टेट विल प्रोसिक्यूट ठीक है आपको क्रिमिनल ऑफेंस के केस में क्या होता है आपको जो के सूट के स्टेट होता है वो आपको करता है या वो आपको प्रोसिक्यूट करवाता है ठीक है अच्छा यहां पर प्राइवेट राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है प्राइवेट राइट है यहाँ पर पब्लिक राइट है पब्लिक राइट है यह पब्लिक का इंटरेस्ट है पब्लिक इट लार्ज का इंटरेस्ट है ठीक है तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और एक क्राइम के अंदर ठीक है अब देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है अपन वो देख लेते हैं देखो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना टॉर्ट इज कमिटेड अगेंस्ट विद अगेंस्ट अ पर्सन विदाउट इज कंसेंट ठीक है देर इज नो कंसेंट विदाउट कंसेंट क्ट में देर इज कंसेंट टॉट में कंसेंट का कोई सवाल ही नहीं है वेर एस कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसेंट के कभी पॉसिबल ही नहीं है ठीक है उसके बाद में प्रिविटी की कोई जरूरत नहीं है टॉट में ठीक हैिविटी इज नीडेड इन टॉट बट कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेसेसिटी है वहां पर प्रिविटी नो नीड ठीक है फिर आ जाओ अगले पे टॉट इज अ ब्रीच ऑफ राइट इन रेम अवेलेबल ओनली अगेंस्ट अ डिटर्मिनेट पर्सन ईदर पर्सनली और एज अ में कम्युनिटी एंड अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज वेर इज ब्रीच ऑफ राइट breach of right of contract, uh, breach of uh, contract is a right in persona. That is, uh, it is available only against some determinate person or body or community uh, uh, and uh, uh, body and community at large is not a concern. theek hai is not concerned. Good afternoon, Abhishek. देखो, वापस आ, जो आपका contract है, वो दो लोगों के बीच में होता है हमेशा, ठीक है? या दो लोगों के चार लोगों के बीच में होता है। तो जब भी अगर breach of contract होता है ना तो आपका राइट इन राइट इन परसोना जो है वो इफेक्ट होता है क्यों क्योंकि एक एक व्यक्ति के अगेंस्ट आपका पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट आपका जो अधिकार था ना वो इनफेंट है right कब इनफेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट केस में राइट इन रैम यानी कि आपका एक जनरल राइट right जो एट सोसाइटी के आपको कोई भी थप्पड़ नहीं मार सकता ठीक है कोई भी व्यक्ति भीड़ में से आकर के आपको थप्पड़ मार सकता तो आपका थप्पड़ नहीं खाने का राइट right जो है वो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट है ठीक है तो इसलिए वो राइट इन रेम है और ये क्या है आपका राइट इन परसोना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे एक पर्टिकुलर ड्रेस जो है वो 15 डेज़ के आप बना के देंगे उस ड्रेस का कलर uh, ये होना चाहिए उस ड्रेस का लुक ये होना चाहिए ठीक है वॉट एवर जो भी है उसपे ठीक है तो अब उस केस में मैंने जिस डिजाइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और डिजाइनर के बीच में था तो क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और के अगेंस्ट एनफोर्स करा सकती हूँ नहीं करा सकती हूँ मैं उसी डिजाइनर उस पर्टिकुलर डिजाइनर के अगेंस्ट ही करा सकती हूँ तो इसीलिए एक डिटर्मिनेट पर्सन के अगेंस्ट जब आपका राइट right एग्जिस्ट करता है तो वो राइट इन पर्सोना कहलाता है और जब आपका राइट right, एक एट लार्ज इन जनरल पब्लिक के अगेंस्ट अवेलेबल uh, है तो वो राइट इन रेम कहलाता है ठीक है दूसरा डिफरेंस uh, तीसरा चौथा डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ टॉट ड्यूटी इज इम्पोज बाय लॉ एंड इज इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी इज इम्पोज बाय पार्टी यहां पर ड्यूटी कौन इंपोज कर रहा है ड्यूटी बाय लॉ by, by यहां ड्यूटी इज इम्पोज बाय बाय पार्टी जो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं संविधान कर रहे हैं वही तो आपस में एक दूसरे के अधिकार और एक दूसरे के सब कुछ ड्यूटी वगैरह रिक्नाइज करते हैं ना तो इसीलिए ड्यूटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कौन बताता है पार्टीज़ आपस में बताती हैं और टॉर्ट के केस में कानून आपको बता रहा है कि आपको ये नहीं करना है ठीक है डैमेजेस इज द मेन रेमेडी इन टॉर्ट एंड डैमेज इज ऑल्सो मेन रेमेडी इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये एक कॉमन पॉइंट है दूसरा है आपके टॉर्ट में मोटिव इज कंसिडर्ड समाइम्स 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 मोटिव इज कंसिडर्ड ठीक है नेवर

Whereas in quasi contract, obligation is imposed because someone has been unjustly enriched.

अंकिता शर्मा को और अंकिता शर्मा ने वो पिज्जा खा लिया ठीक है तो अब मैं क्या डैमेजेस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अंकिता शर्मा से बिल्कुल कर सकती हूँ क्यों क्योंकि मुझे कोई लॉस हुआ और किसी को कोई फायदा हो गया जो उसका नहीं बनता था ठीक है तो इसीलिए आप आप इनके इन केस ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपका जो आ, जो जब वो व्यक्ति एनरिच हो जाएगा किसी ऐसे फायदे से बेनिफिट से जो एक्चुअली उसके लिए था ही नहीं तब हम उसे क्या कहते हैं तब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के में डाल देते हैं ठीक है इन टॉर्ट ड्यूटी इज ओन टू पर्सन जनरली इन कॉन्ट्रैक्ट नो ड्यूटी इज ओन टू पर्सन जनरली बट टू स्पेसिफिक पर्सन ठीक है इन जनरल टॉर्ट केस में क्या होता है कि भाई मैं कोई टॉर्ट कमिट ना करूं ये मेरी ड्यूटी है

तीसरा है मेंटल एलिमेंट जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ऑल अदर आपके टॉपिक्स ठीक है ऑल अदर एलिमेंट्स एक्ट और ओमिशन क्या है ये हम बात देख चुके हैं ठीक है द वर्ड एक्ट 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 इज इज इन अ वाइड सेंस इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज दैट और ओमिशन एक्ट के अंदर क्या क्या होगा एक्ट के अंदर दोनों चीजें इंक्लूडेड है एक एक्ट पॉजिटिव एक्ट भी एक नेगेटिव एक्ट भी नेगेटिव एक्ट क्या होता है कि आपने कोई काम करना था आपने नहीं किया जो so, ओमिशन जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है बट इफ यू आर ट्राइंग टू पनिश पनिश्ड फॉर फॉर एन ओमिशन तो उस केस में आपको ये बताना पड़ेगा ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ओमिशन है ना वो एक लीगल ड्यूटी का ओमिशन है या ऐसी ड्यूटी का ओमिशन है जिसे लॉ ने रिकोगनाइज किया था तभी आप उस ओमिशन के लिए पनिशमेंट दिलवा सकते हो ठीक है दे मस्ट दे मस्ट ऑल्सो बी डिस्टिंग फ्रॉम मेयर

अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो वो हार्मलेस ही इंटेंशन आपका इसीलिए इंटेंशन को यहाँ पर क्या कर रहा है डिफ्रेंशिएट किया है आपके एक्ट या ओमिशन से फिर दूसरा बात करता है कि जो आप एक्ट या ओमिशन कर रहे हैं वो वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकता है ठीक है मैं कोई भी काम कर, करूंगी तो वो या तो वॉलेंट्री होगा या फिर क्या होगा इनवॉलेंट्री होगा

है, है, तो फिर, क्यों है? ठीक है? फिर आते हैं आपका नेक्स्ट चीज पे नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है आ, आपका मेंटल एलिमेंट अब मेंटल एलिमेंट के अंदर वापस तीन चार चीजें हैं देखो द मेंटल एलिमेंट आर डिस्कस अंड्री कैटेगरीज पहला है आपका Uh, पहले सॉरी मेनी कैटेगरीज नेग्लिजेंस हो गया मैलिस हो गया मोटिव हो गया मैल फीजेंस मिस फीजेंस नॉन फॉल्ट ये सब चीजें आपका मेंटल एलिमेंट का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ठीक है

मैलिस जो है ना दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है इंटेंशनली डूइंग दी रॉन्गफुल एक्ट जिसे हम मैलिस इन लॉ कहते हैं ठीक है यानी कि कोई रॉन्गफुल एक्ट करना कोई का, ऐसा काम करना जो कि लॉ के विपरीत है या विरुद्ध है दूसरा है इनप्रॉपर मोटिव इनप्रॉपर मोटिव मतलब मैलिस इन फैक्ट जब भी आपका मोटिव इंप्रॉपर होगा तो आप उसको मैलिस इन फैक्ट कहोगे ठीक है अब पर आगे देखते हैं कि कि मैलिस मैलिस के अंदर ही सॉरी मै, तो समझ लिया ठीक है कि एक क्या हो सकता है कि किसी काम को रॉन्गफुली रॉन्गफुल एक्ट किया, किया लॉ के द्वारा आपके ऊपर कोई काम था आपने उसको रॉन्गफुली किया या आपने उसको नहीं किया और दूसरा होता है कि आपका मोटिव ही खराब था उस काम को करने के पीछे इनप्रॉपर मोटिव था आपका फिर है इंटेंशन रेकलेसनेस या फिर नेग्लिजेंस और ये सब चीजें क्या है पनिशेबल बाय लॉ है ठीक है इंटेंशन इज द इंटरनल फैक्ट अवेलेबल इट इज द कॉमन नॉलेज दैट अ मैन शैल नॉट बी ट्राइड बिकॉज बिकॉज हिमसेल्फ नॉट नो थॉट ऑफ अ मैन ठीक है क्यों नहीं करा जाएगा इंटेंशन के लिए पनिश यहाँ पर क्योंकि जो खुद व्यक्ति है उसे भी नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या डेवल चल रहा है उसके devil को कंट्रोल कैसे करना है है ठीक चलो फिर आते हैं अपन दूसरी बात पे एक्ट इज इंटेंशनल एज टू इट्स इफ द पर्सन हैज द नॉलेज दैट दे वुड रिजल्ट एंड ऑल्सो द डिजायर दे शुड रिजल्ट ठीक है यानी कि उसको क्या पता है उसको ये बात पता इस बात का अंदाजा है कि वो जो चीज कर रहा है उससे उसके कॉन्सिक्वेंसिस कोई गलत हो सकते हैं ठीक है थीके? या फिर उसे मालूम है और वो चाहता है उसने एक थॉट सोच रखा है उसने एक एक्टिविटी सोच रखी होना चाहिए ये result, outcome होना चाहिए मेरे इस act का और वो उस एक्ट को अचीव करने के लिए एक पूरा करता है तो इसको आप इंटेंशन कहते हो केस ऑफ नेग्लिजेंस रीजनेबल पर्सन कैन फोरसी देम अच्छा अब नेग्लिजेंस क्या है नेग्लिजेंस का अर्थ ये है कि आपका इंटेंशन तो नहीं था लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि एक अगर रीजनेबल इंसान जो है ना उसके हिसाब से वो काम आपका कोई ना कोई गलत आउटकम ले आता जैसे अगर मान लीजिए कि मैं गाड़ी तेज चला रही हूँ मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी इंसान की दूसरे सामने वाले इंसान की गाड़ी ठोक दूं या सामने कोई पैदल इंसान जा रहा है उसको ठोक दूं ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं प्रूडेंट हूं तो या कोई भी प्रूडेंट व्यक्ति है तो उसको ये बात पता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है उसका ये रेपाकर्षण हो सकता है तो जब आप उस रेपकर्षण को इग्नोर करते हुए कोई काम करते हो ना तो वो नेग्लिजेंस कहलाता है आपका

ठीक है तो मुझे ये बात पता है कि बाइक रेसिंग के रेपर्शन क्या हो सकते हैं या मैं गिर सकती हूं लेकिन आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क या फिर जो मौत का कुआं होता है आपको पता है अच्छा अपन पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं तो एक साइन करवाता है है ना जब भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तो वो लोग आपसे एक डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि अगर इस एडवेंचर स्पोर्ट में कोई भी टेक्निकल फेलियर की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपको कोई चोट पहुंचती है आपकी मृत्यु हो जाती है तो द एजेंसी दैट इज हेल्पिंग यू परफॉर्म द एडवेंचर स्पोर्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इंजुरी और डेथ ठीक है तो ये क्या है ये रेकलेसनेस है आपकी कि आपको पता है इंजुरी हो सकती है बट देन यू आर स्टिल विलिंग टू डू दैट स और नेग्लिजेंस जहां आपने चाह नहीं था लेकिन हो गया क्योंकि एक रीजनेबल आउटकम था वो आपके एक्ट का चलो अब आते हैं मोटिव बेसिकली इंटेंशन से थोड़ा सा अल, अ, अलग होता है इंटेंशन जो है ना वो आपका देखो मोटिव इज दल्टीरियर ऑब्जेक्ट फॉर दर्पज ऑफ डूइंग एन एक्ट इट डिफर्स फ्रॉम इंटेंशन इन टू वेज पहला क्या डिफरेंस है इंटेंशन रिलेट्स टू इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इंटेंशन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है वेयर एज मोटिव जो है वो आपका अल्टीरियर परपस uh, से रिलेटेड होता है अल्टीरियर परपस क्या हो गया मैं चाहती हूं कि मान लीजिए आप uh, किसी एक व्यक्ति की कंपनी शट डाउन हो जाए ठीक है वो कंपनी शट डाउन हो जाए उसके लिए मैं हर बार क्या करती हूँ किसी ना किसी एक व्यक्ति से जाकर के उस कंपनी के बारे में बुरी बातें करती हूँ या उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर है उनके कुछ पर्सनल चीजें ऐसी जाकर के लोगों से शेयर करती हूँ जिसकी वजह से उनकी इमेज जो है वो टार्निश हो जाए तो जब किसी व्यक्ति से जब मैं वन टू वन किसी एक इंसान से ये कह रही हूँ कि अरे उसके जो डायरेक्टर है वो तो बहुत ही एक इनफिडल इंसान है अपनी वाइफ के साथ आ, ऐसे रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और बहुत खराब व्यक्ति हैं पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही उनकी बेकार मिट्टी पलित हुई भी है डिसऑनेस्ट भी है बहुत ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को कभी भी फायर कर देते हैं तो ये क्या है मेरा इंटेंशन है कि इस व्यक्ति की इमेज एक गलत सेट हो जाए ठीक है ये मेरा इंटेंशन है तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें उनसे बुराई या उनके पर्सनल बातें किसी और से जाकर के कर दी ये मेरा इंटेंशन है यानी कि इमीडिएट इफेक्ट जो मैं चाहती हूँ ना कि इस व्यक्ति के दिमाग में किसी डायरेक्टर की या किसी व्यक्ति की गलत छवि बन जाए तो वो गलत छवि मैंने बुराई करके कर बना दी ये मेरा इंटेंशन था अब मेरा अल्टीनेट मोटिव क्या था कि जब इतने सारे लोग इस व्यक्ति के खिलाफ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इसके एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ना शुरू कर देंगे जब इसकी एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ देंगे तो सकता है इसकी कंपनी बंद हो जाए ठीक है या उसके बिजनेस को लॉस हो जाए तो ये मेरा अल्टीरियर मोटिव था आपका मोटिव हमेशा क्या होता है अल्टीरियर पर्प के साथ होता है अंडरलाइंग है हिडन पर्पज के साथ होता है या बाद में अचीव होने के लेटर स्टेज पे अचीव होने पर, वाले पर्पज के साथ में होता है ठीक है जब आपका कोई दूर की चीज को आप एम करने की कोशिश कर रहे हो हैं देन दैट इज योर मोटिव मान लो आपको बिहार जुडिशियरी क्रैक करना है ठीक है तो बिहार जुडिशियरी क्रैक करने के लिए आपका आज जब आप की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपका आपका इंटेंशन क्या है कि टॉर्ट का सब्जेक्ट कवर हो जाए लेकिन आपका अल्टीरियर मोटिव क्या है आपका अल्टी मोटिव क्या है आपका एक्चुअल में आपका मोटिव है कि आपकी बिहार जुडिशियरी क्लियर हो जाए आपका उत्तर प्रदेश जुडिशियरी क्लियर हो जाए ठीक है तो ये जो जुडिशियरी क्लियर करना है जो आपका मेन टारगेट है या जो आपका दूर वाला टारगेट है वो क्या है वो आपका मोटिव है और जो इमीडिएट एक्शन आप उसके लिए ले रहे हो हो आप जो उसके लिए इमीडिएट प्लानिंग कर रहे वो आपका इंटेंशन है लॉ ऑफ खत्म करना आज के लेक्चर को देख करके ये आपका इंटेंशन है और आपका बिहार जुडिशरी क्लियर हो जाए ये आपका मोटिव है ठीक है आई होप आई एम क्लियर किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हो ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर दैट इज मैलफिसेंस मिसफिसेंस और नॉनफिसेंस देखो मैलफिसेंस का मतलब क्या होता है कि आपका कोई एक्शन था ठीक है देयर वाज समथिंग दैट यू हैड टू डू बट आपने क्या किया आपने उसको लैंडमार्क केस केस लॉ सीरीज भी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैम चलो वी विल ट्राई फॉर दैट आल्सो है ना उसके लिए भी ट्राई करेंगे हां तो अब आपका मैल क्या होता है कि आपने कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट कर दिया आपको कोई काम करना था आपने चोरी कर ली ये हो गया मैल फीजन क्या है कि आपने इमर तरीके से किया आपने जो काम किया वो इम तरीके से किया फिर है आपका नॉन फीजन आपको जो काम करना था आपने वही ओमिट कर दिया आपने किया ही नहीं ठीक है तो जब आप गलत काम करते हो तो वो मैल फीजन होता है जब आप गलत तरीके से करते हो ठीक है तो वो मिस होता है और जब आप कोई काम नहीं करते हो जो आपको कहा गया था या आपको करना था टेक्निकली कानून के द्वारा तो आप उसको क्या कहते हो नॉन कहते हो फिर है आपका फॉल्ट फॉल्ट का मतलब क्या है कि गलती अब आपकी गलती है या नहीं है ये भी देखा जाएगा टॉर्ट में आपको मतलब लाइबल मानने के लिए तो कुछ, general, तो कुछ इन जनरल जब तक किसी व्यक्ति की गलती नहीं होती हम उसे पनिश नहीं करते ठीक है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ ऐसी लाइब्रेटीज हैं जो बिना गलती के भी अराइज होती है जिसे नो फॉल्ट लाइब्रेटी भी कहते हो या स्ट्रिक्ट लाइब्रेटी या एब्सोट लाइब्रेट भी कहते हो ठीक है स्ट्रिक्ट लाइब्रेट एब्सोलूट लाइब्रेटी अपने आप में दो अलग अलग बातें हैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज मत करना दोनों नो फॉल्ट लाइबिलिटी के एम्बिट में आ जाती हैं एक होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब जैसे एब्सोल्यूट वर्ड है ना कि कुछ भी हो जाए आपकी गलती थी नहीं थी आपने कुछ अपराध किया नहीं कि आपके पास कोई नेग्लिजेंस था नहीं था वी डोंट गिव डैम अबाउट दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल यू हैड समथिंग विद यू विच वाज डेंजरस या hazardous. आपने लेकर के एक ऐसा इंडस्ट्री चालू किया जिस इंडस्ट्री के वजह से आपको पता है कि लोगों को नुकसान अगर उसमें कभी कोई लीकेज आ गया या जैसे भोपाल गैस ट्रेटेडी था कि आपको पता था कि अगर उस प्लांट के uh, उस प्लांट में कभी लीकेज आ जाता है तो लोगों की मृत्यु निश्चित है पूरा का पूरा इलाका खत्म हो जाएगा बहुत मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यह बात आपको पता है तो तो अगर आप ऐसी कोई डेंजरस चीज रख रहे हो अपने में देन यू हैव एब्सोल्यूट आपकी गलती हो नहीं हो यू विल बी हेल्ड लाइबिल अंडर दी लॉ ठीक है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है स्ट्रिक्ट के लाइबिलिटी केस में ऐसा है कि भाई थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको पनिशमेंट तो वहां भी मिलेगा लेकिन उतना हद तक नहीं फिर भी टू सर्टेन एक्सटेंट दे विल कंसीडर whether you were at mistake or not ठीक है इसके लिए आप लोग लैंडमार्क जजमेंट सीरीज में एक केस दिया हुआ है मेहता मेटावर्स यूनियन ऑफ इंडिया का आई गेस एक बार वो जाकर के देख लीजिएगा ठीक है फेमस केस है uh, आपका दिल्ली में एक फर्टिलाइजर्स की कंपनी थी ठीक है जिसके ऊपर ये केस हुआ था तो एक बार उस लैंडमार्क जजमेंट सीरीज को LA के ही प्लेलिस्ट में है लैंडमार्क जजमेंट सीरीज उसमें जाकर के देख लीजिएगा वहां पर आपको स्ट्रिक्ट लाइब्रेटी और एब्सोल्यूट लाइब्रेटी का एग्जैक्ट डिफरेंस और पूरा केस के साथ में आपको मालूम चल जाएगा ठीक है चलो अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट चीज पर जो कि है पहली चीज जो है अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो है आपका कैपेसिटी अब कैपेसिटी टू सू और कैपेसिटी टू बी सूड दो चीजें ना कि क्या हम किसी को सू कर सकते हैं क्या हम किसी पे केस कर सकते कर सकते सकते हैं हैं बिल्कुल क्या कोई हम पे केस कर है, कर सकता सकता है है बिल्कुल अब किन किन परिस्थितियों में ये सब चीजें पॉसिबल है या नहीं है वो देख लेते किन किन के केस में पहला माइनर के केस में देखो माइनर जो है ये तो बात हम जानते हैं कि जब सू करने की बात आती है अपने अधिकार के प्रोटेक्शन की बात आती है तो माइनर के पास अधिकार है कि वो किसी को सू कर सकता है लेकिन हमेशा कैसे सू करेगा किसी नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ठीक है अकेले खुद से तो कर नहीं सकता है, तो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू किसी को सू कर सकता है इंडिविजुअली खुद नहीं कर सकता है है बट एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके लॉ ऑफ टॉट्स में क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के एवज में वो क्या है कि क्रिमिनल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी माइनर को सू नहीं कर सकते हो आप है ना माइनर के ऊपर केस नहीं हो सकता माइनर तो कर सकता है लेकिन माइनर के ऊपर केस नहीं होगा चाहे भले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट

इसी में एक चीज है लाइबिलिटी ऑफ दिल्ड्रेन अगर कोई बच्चा टॉर्ट कमिट करता तो उस केस में माई, उस माइनर के पेरेंट की क्या लाइबिलिटी रहेगी पहली बात तो यह की दे के नॉट बी सूड द पेरेंट कैनोट बी सूड फॉर अ चाइल्ड टॉट या फॉर हिट हिज और हर चिल्ड्रॉट क्यों नहीं कर सकते हैं Uh, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहा गया भाई आप कब किसी के बदले किसी दूसरे को पनिशमेंट देते हो तभी दोगे ना जब आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकते हैं लॉ ऑफ टोर्ट में तो आप बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हो तो इसीलिए आप उसके पेरेंट्स के थ्रू टॉर्ट uh, को पनिश नहीं करोगे सिर्फ कब आप पेरेंट को लाइबल मानोगे जब वो बच्चा अपने फादर का ही क्या था सर्वेंट था या एजेंट था ठीक है मान लो कि आप किसी चाय आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते मतलब रेस्टोरेंट में काम करते हो आपने अपने बच्चे को भी वहीं पर लगाया हुआ है ठीक है मतलब किसी एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति का छोटा सा ढाबा है वहीं पर उसका बच्चा भी काम करता है उसके बच्चे ने लेकर के क्या किया कोई गेस्ट आया कुछ गेस्ट ने उससे कुछ बोला तो उसने गुस्से में लेकर गरम गरम चाय उस गेस्ट के मुंह पर डाल दी तो अब क्या उसका पेरेंट लाइबल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मास्टर सर्वेंट की कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर ठीक है या प्रिंसिपल एजेंट की कैपेसिटी में आप वहां पर काम कर रहे हो तो आपकी वाइकैरियस लाइबिलिटी इवॉल्व हो जाती है वहां से ठीक है या फिर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है या मतलब एज अ पेरेंट आपने कोई नेग्लिजेंस दिखाया और उस नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो कोई टॉर्ट कमिट कर दे तो इन दैट सिचुएशन आल्सो क्या हो जाएगा आप जो मतलब पेरेंट है वो लाइबल हो जाएगा अपने बच्चे के टॉर्ट के लिए इन जनरल नहीं होगा दो ही सिचुएशन में होगा जब मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो यानी कि जब बच्चा जो है वो खुद अपने पेरेंट का सर्वेंट या आपके अपने पेरेंट का एजेंट हो या फिर तब होगा जब पेरेंट की नेग्लि नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिली कोई टॉर्ट कमिट करने की अब एक कॉन्सेप्ट है इसमें ठीक है माइनर हम डिस्कस कर चुके हैं माइनर एंड पेरेंट हमने डिस्कस कर लिया अब आता है एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर ठीक है एक है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर और एक है जॉइंट टॉर्ट फीजर जॉइंट टॉर्ट फीजर टॉर्ट फीजर क्या होता है जो व्यक्ति टॉर्ट कमिट करता उसको है उसको टॉर्ट फीजर कहते हैं ठीक है फीजर और एक है कंपोजिटॉट फीजर ठीक है देखो जो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है ये कॉन्सेप्ट क्यों है मैं एक बार समझा देती हूँ जब भी एक विक्टिम है लेकिन ऑफेंस कमिट करने वाले कई लोग हैं दो से ज्यादा लोग जब किसी एक ही व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करते हैं

तो हम दोनों अपना इंडिविजुअली बिना किसी आपस में कोई कंसेंसस नहीं हमने आपस में एक दूसरे से बात नहीं करी हम आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है हमने आपस में कोई चीज प्लान नहीं करी लेकिन हमने क्या किया उन्होंने किसी और थर्ड पर्सन से जाकर के मिस्टर uh, सी की बुराई कर दी मैंने किसी और थर्ड uh, पर्सन uh, से जाकर मिस्टर सी की बुराई कर दी अब दोनों को डैमेज दोनों की वजह से क्या एक डैमेज हुआ मिस्टर सी को उनकी उनका डिफेमेशन हुआ ठीक है हमने किसी और व्यक्ति से जाकर डिफेमेशन कर दिया ठीक है अब मिस्टर सी का तो डिफेमेशन हो गया और दो अलग अलग लोगों की वजह से हुआ दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे हुआ लेकिन क्योंकि डैमेज एक ही कॉज हुआ है है ना इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर के केस में बेसिकली टू और मोर टॉर्ट फीजर्स आर देयर ठीक है टू और मोर टॉर्ट फीजर टॉर्ट फीजर क्या है वो व्यक्ति जो टॉर्ट कमिट करता है एक्ट इंडिपेंडेंटली है ना मान लीजिए मैंने किसी आ, मैंने किसी व्यक्ति को अलग से जाकर के किसी व्यक्ति के सामने डिफेम कर दिया और एक और मेरे साथ में एक और फैकल्टी मालिक मैम साथ में उन्होंने किसी, किसी और के सामने किसी को डिफेम कर दिया हम दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया हम दोनों के बीच में कोई कंसेंसस नहीं था लेकिन उस इंडिपेंडेंट एक्ट से एक स्पेसिफिक या कॉमन डैमेज कॉज हुआ उस व्यक्ति को मेरे किसी व्यक्ति के सामने मिस्टर सी की बुराई करने से भी क्या हुआ उनका डिफेमेशन हुआ सान्या मैम के भी किसी और व्यक्ति के सामने मिस्टर uh, सी की बुराई करने से डिफेमेशन कमिट हुआ तो डैमेज तो क्या है कॉमन डैमेज है डिफेमेशन ही है लेकिन हम दोनों का एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट था विदाउट एनी कंसेंसेस था तो इन दैट सिचुएशन उसको क्या मान लेते हैं इंडिपेंडेंट टॉट फीजे मान लेते हैं उन दो व्यक्तियों को ठीक है अब इसमें बस याद रखना देर जस्ट मेयर सिमिलैरिटी इन द डिजाइन हम दोनों का तरीका एक था हम दोनों का तरीका था कि इनकी बुराई कर देते हैं जाकर के इनका डिफेवेशन कर देते हैं कि रेपुटेशन खराब कर देते हैं तो डिजाइन सेम है डिजाइन में सिमिलैरिटी है डैमेज सेम कमिट हो रहा है लेकिन एक्ट इंडिपेंडेंट है विदाउट एनी कंसेंसस है फिर आता है जॉइंट फीजर जॉइंट फीसर फीजर का मतलब होता है कि जब कोई भी कॉमन फर्दरेंस में आप काम कर रहे हो आप दोनों का एजेंडा एक ही था और आप दोनों उस एक ही एजेंडा को पूरा करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ में कंस्पायर करके फिर गए अब मुझे और सान्या मैम दोनों दोनों को मिस्टर सी पसंद नहीं थे हम ने डिस्कस किया यार बहुत ही बेकार इंसान है इसको तो यहां से निकलवाना है या इसको तो डिफेम कर देना है अपन को चल के तो हमने फिर ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को डिफेम किया तो ये हो गया तो हम दोनों क्या बन गए जॉइंट टॉर्ट फीजर्स बन गए जैसे जब मास्ट प्रिंसिपल एजेंट की लाइब्रेट

कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जाओगे और कंसेंसस बिल्ड करके जाओगे तो ज्वाइंट टॉटफीज कहलाओगे ठीक है जब आप एक सिमिलर डिजाइन के साथ जाओगे और सिंगल डैमेज कॉज करोगे लेकिन अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करोगे बिना कंसेंसस के तो आप इंडिपेंडेंट टॉट फीजर्स कहलाओगे इंडियन आप कंपोजिट क्या है कंपोजिट टॉट फीजर्स बेसिकली दोनों को मिला लो आप इन दोनों को मिला लो है ना वो आपका कंपोज़िट टॉर्ट है क्यों क्योंकि इंडियन लॉ अलग अलग से दोनों को आइडेंटिफाई नहीं करता चाहता सिर्फ सिर्फ कि है आप हो और आप हो तो इंडिया इंडियन लॉ में फीजर और इंडिपेंडेंट टॉर्ट का टर्म को आइडेंटिफाई ना करते हुए हम सिर्फ एक कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करते हैं तो जब भी अगर एक से अधिक व्यक्तियों की वजह से किसी एक इंसान को किसी तरह का डैमेज कॉज होता है स्पेसिफिक डैमेज डैमेज या कोई एक एक कॉमन होता है तो हम उनको कंपोजिट चलो नेक्स्ट चलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की लाइबिलिटी पे अब देखो इसमें ना बहुत सारा हस्बैंड्स को या लड़कों को बहुत ऐसा बुरा बुरा फील होगा क्योंकि इसमें अः हस्बैंड जो है वो कभी भी वाइफ के अगेंस्ट केस कर नहीं सकता पहली चीज ठीक है हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट कभी भी टॉट कंप्लेन नहीं करेगा हस्बैंड एंड वाइफ अपन डिस्कस कर रहे हैं ये एक था ये आपका दो था और ये आपका तीन है ठीक है तो हस्बैंड एंड वाइफ के केस में हस्बैंड कभी भी वाइफ के अगेंस्ट टॉर्ट फीजिंग की कंप्लेन uh, नहीं करेगा या टॉर्ट के लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता लेकिन वाइफ क्या ऐसा कर सकती है तो इन जनरल तो वाइफ भी नहीं करेगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट इन चोज के लिए क्या कर सकती है राइट इन चोज एक टर्म है राइट right, यहां राइट इन चोज राइट इन चोज मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार ऐसी प्रॉपर्टी का अधिकार जिसको establish करने के लिए सिर्फ उस प्रॉपर्टी का आपके पास में पोजेशन होना जरूरी नहीं है दैट इज कॉल्ड राइट इन चोज ठीक है तो अगर अगर आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई महिला किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना राइट right एनफोर्स कराना चाहती है तो इन दैट सिचुएशन वो क्या सकती uh, कर सकती है टॉर्ट की कंप्लेन कर सकती है यानी कि अगर कोई व्यक्ति का हस्बैंड मतलब मान लीजिए किसी लड़की का हस्बैंड उसकी प्रॉपर्टी का अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट करता है ना तब तो वो कंप्लेन कर सकती है लेकिन अगर उसके खुद के उसकी बॉडी के अगेंस्ट उसके पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई डॉट कमिट करता है तो नहीं कर सकती देखो बहुत सिंपल सी बात है एक महिला है ठीक है अब इस महिला के दो अधिकार हैं एक तो है कि उसकी खुद की बॉडी ठीक है राइट टू पर्सन और राइट right प्रॉपर्टी अब उसका एक अधिकार तो है कि उसने गले यहाँ पे हाथ में चूड़िया पहनी हुई है ठीक है पैर में पायल पहनी हुई है गले में उसने मंगल सूत्र पहना हुआ है तो क्या अधिकार है भाई उसका कि आप उसका चूड़िया उसकी पायल उसका मंगल सूत्र जाकर के उसका हस्बैंड नहीं बेच सकता ठीक है ये उसका एक अधिकार है अगर उसका हस्बैंड उसकी चूड़िया कोई भी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है या उस प्रॉपर्टी को चुरा करके ले जाता है तब तो वो टॉर्ट की कंप्लेन कर सकती है ठीक है तब वो कोर्ट के पास जा सकती है कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया मेरी प्रॉपर्टी अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया आप इनको पनिशमेंट दिलाओ लेकिन राइट टू पर्सन वही अगर हस्बैंड एक थप्पड़ मार देता है इनको तो ये अपनी बॉडी के अगेंस्ट अपना राइट right, अपनी बॉडी के फेवर अपना राइट right यूज नहीं कर सकती है राइट टू पर्सन का अधिकार नहीं देता है आपका लॉ ऑफ टॉट्स सिर्फ दो सिचुएशंस में देता है क्या दो सिचुएशंस की हस्बैंड जो है वो एक ऐसी एजेंसी के लिए काम कर रहा था या उस प्रिंसिपल का एजेंट था जिससे आपने कोई सर्विसेज अवेल करी मैं किसी ने एक इसी महिला ने एक टैक्सी सर्विस अवेल करी और उस टैक्सी सर्विस में इसका हस्बैंड जो है वो टैक्सी ड्राइवर था अब उस सिचुएशन में उस टैक्सी ड्राइवर ने अगर बदतमीजी कर दी उसके साथ में उस अपनी वाइफ के साथ में तो फिर ये कंपनी को सू कर सकती है क्यों क्योंकि वो सर्विसेज अवेल कर रही थी और ये जो हस्बैंड है वो हस्बैंड की कैपेसिटी में नहीं बल्कि एक ड्राइवर की कैपेसिटी में एक एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था तो अगर हस्बैंड जो है उस समय पर क्या है किसी थर्ड पार्टी का एजेंट है तब वो स्यू हो सकता है आ, अपनी वाइफ की अपने वाइफ के पर्सन को, को इंजुरी कॉज करने के लिए ठीक है उसकी बॉडी पे इंजुरी कॉज करने के लिए चलो नेक्स्ट चलते हैं हस्बैंड किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकता सकता अच्छा पहले परिस्थिति ये थी कि हस्बैंड जो है वाइफ के के लिए क्या हो आ, हो जाता था था अब नहीं हो सकता ठीक है अब सिर्फ मेयर हस्बैंड होना जरूरी नहीं है अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट दिखता है उस टॉर्ट को कमिट करने में तो तभी आप सिर्फ क्या हो जाएंगे अः लाइबल होंगे अदरवाइज आप नहीं होंगे ठीक है तो याद रखना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट महिला कर सकती है टॉर्ट की कंप्लेंट वाइफ कर सकती है अपने पति की कंप्लेंट लेकिन अगर उसको खुद को कोई पर्सनल है तो उसके अगेंस्ट नहीं कर सकती अनलेस जो हस्बैंड है या तो वो किसी का सर्वेंट था किसी थर्ड पार्टी का सर्वेंट था और उस सर्वेंट की कैपेसिटी में कोई काम कर रहा था और उसने आपके साथ मारपीट करी आपको इंजुरी पहुंचाई या फिर वो किसी और का एजेंट था और उस कैपेसिटी उस एजेंट की कैपेसिटी में उसने कोई सर्विस रेंडर करी और उस सर्विस की वजह से आपको नुकसान हुआ है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब अपने पास में अगला टॉपिक जो है वो है जनरल डिफेंसेस ठीक है जनरल डिफेंसेस क्या है बेसिकली जनरल डिफेंसेस का बेसिक मीनिंग है कि कब आपने कोई टॉर्ट कमिट किया और कब आप उस टॉर्ट से अपनी लाइब्रेटी से बच सकते हैं ठीक है लाइब्रेटी से बचने के तरीके को आप क्या कहते हैं डिफेंस कहते हैं मेरे ऊपर केस हुआ टॉर्ट का तो मैं कोर्ट को ये नसीदे तो अपनी लाइब्रिटी एक्सेप्ट नहीं कर लूंगी मैं कुछ तो अपने बचाव में रखूंगी ना बात तो जो आप बचाव देते हो दैट इज योर डिफेंसिस डिफेंसिस में क्या क्या है एक है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया इट क्लियरली कि जब भी आपने कंसेंट दिया है ठीक है अगर आपने कंसेंट दे रखा था किसी चीज के लिए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरी लाइब्रिटी नहीं है जैसा कि मैंने कहा ना आपको पहले से कि आपने पैराग्लाइडिंग वाले कोई एडवेंचर स्पोर्ट वाले के डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया आपने कह दिया कि हाँ अगर कोई भी रिस्क होता है कोई भी चोट होती है कोई भी टेक्निकल फेलियर भी होता है अगर अगर मान लो वो हारने से टूट गया तो भी आप मेरी डेथ के लिए लाइबल नहीं होंगे मतलब कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली वो वो कंसेंट तो uh, दिया है तो इसीलिए आपको वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के uh, मतलब जो व्यक्ति जो एजेंसी है ना वो वॉल्टी नॉन फिट इंजुरिया का क्या ले सकते हैं डिफेंस लेकर के बच सकती है ठीक है दूसरा है आपका एक्ट ऑफ गॉड एक्ट ऑफ गॉड आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है आप आ, कहीं पर किसी जगह पर बिजली गिरी ठीक है बिजली गिर गई कोई टॉट किसी को प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया अब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओगे उस प्रॉपर्टी के लिए कि भैया आप इसको सही कर कर दो आप या मेरे को इंश्योरेंस का पैसा दो तो द इंश्योरेंस कंपनी कैन वेव ऑफ इट कैन क्लियरली से भैया ये एक्ट ऑफ गॉड था मेरी गलती नहीं थी एक्ट ऑफ गॉड था बिजली गिर गई बारिश आ गई फ्लड आ गया इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड वो चीजें होती है जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसी इंसान का कोई कंट्रोल ही ना हो मेरा अगर कंट्रोल ही नहीं है बिजली गिर रही है पानी गिर रहा है ओले गिर रहे हैं बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, है इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है फ्लड आ गया अर्थवेक आ गया इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है लैंडस्लाइड हो गया इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना मान लो किसी आप एक आपने एक ट्रक में सामान भिजवाया आपकी पोस्टिंग हुई एक जगह से दूसरी जगह आपका सामान जो है वो कैरियर से जा रहा है ट्रक से जा रहा है आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक वो दिया हुआ था मतलब उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अग्रीमेंट किया हुआ था वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपका लगेज आप तक पहुंचा रही थी रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हुआ आपका सारा लगेज खराब हो गया ट्रॉल, उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया पूरा का पूरा आपका लगेज जो आपका सामान था आपका फर्नीचर घर का सब सामान रेस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या आप उस कंपनी से पैसा मांग सकते हो वापस की कॉम्पनसेट करो मुझे तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया नहीं मांग सकते क्योंकि वो वक्त व्यक्ति क्लियरली कह देगी वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्लियरली कह देगी कि भैया ये तो लैंडस्लाइड हुई ना मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं था मेरा ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाता और फिर एक्सीडेंट हो जाता फिर आपका सामान डिस्ट्रक्ट हो जाता तो मैं करता आपके लिए कुछ भी लेकिन अब इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकते कल्पना भी नहीं करी थी कि हो जाएगी और आपके पास उसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं था है ना एक बहुत इसका एग्जाम्पल कॉमनली दिया जाता है कि कोई व्यक्ति कोई लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा है और जो एक्स थी उसके हाथ में उस एक्स के ऊपर से जो लोहे वाला हिस्सा है, है ना एक लकड़ी के ऊपर लोहे का 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 ऐसा लगा रहता है है जनरली इस तरह स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता होता आपके एक्स सा कुछ बाहर चला गया और यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था उस व्यक्ति की सीधे गर्दन पे लग गया उसकी गर्दन कट गई वो मर गया वहां पर तो इन सिचुएशन आल्सो इट कैन बी टेकन एज एन डिफे एज ए डिफेंस की भाई ये तो इनविटेबल था ना मैंने सोचा थोड़ी ना था लकड़ी काटने के टाइम पे कि मेरे कुल्हाड़ी में से आगे का ऊपर का हिस्सा निकल करके चला जाएगा उड़ के चला जाएगा और लग जाएगा या मान लो कि मैं तीर मार रही हूँ ठीक है मतलब आप एक, एक आप एरो वो एरो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आपने एरो कहीं मारा और उसकी वजह से वो एरो किसी आपके निशाने से चूक करके किसी ऐसी चीज को टच करके चला गया जिसकी वजह से कोई और चीज को धक्का लग गया और वो चीज ने जाकर किसी तीसरे इंसान को इंजरी पहुंचा दी तो तब आप थोड़ी ना ये कह सकते हो कि ये भाई ये किसी की गलती है ये तो इनएविटेबल था ना हम इसको सोच सकते थे ना हम इसके लिए कोई बचाव कर सकते थे ठीक है ना हम इसमें कोई सेफ्टी रख सकते थे फिर है एक नेसेसिटी की जो भी काम किया वो आउट ऑफ नेसेसिटी किया ठीक है आपने किसी व्यक्ति कोई डूब रहा था आपने उसको डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की नाव खड़ी थी वहां पर ठीक है या किसी का सेफ्टी एक मतलब ट्यूब्स वगैरह पड़ी हुई थी या आपको दिखा कि किसी एक एक टायर रखा हुआ टायर कंपनी वालों के टायर पड़े हुए वहीं पर शायद साइड में तो आपने उसकी ट्यूब ली और ट्यूब को लेकर के जाकर के आप उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए पहुंच गए ठीक है अब बचा के लाने में वो ट्यूब खराब हो गई फट गई तो अब वो जो टायर कंपनी वाला व्यक्ति अगर आपसे कॉम्पोजिशन मांगता जाए तो आप कह सकते भाई नेसेसिटी थी देखो जरूरत थी आपके टायर, टायर के लॉस से ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता अगर व्यक्ति की जान चली जाती तो ठीक है नेसेसिटी प्रूव कर सकते हो फिर है गलती एक मिस्टेक है फिर है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी कि आपको स्टेट्यूटरी अथॉरिटी मिली थी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है कि कानून के द्वारा आपके पास में अधिकार था कि आप इस काम को कार्य कर सकते हो ठीक है तो अब आपने अगर कानून के द्वारा दी हुई कोई ड्यूटी को पूरा करते समय कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि टॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता था तो आपको क्या मिल जाएगा डिफेंस मिल जाएगा कि नहीं हमने टॉर्ट कमिट नहीं किया है हमने इंक्रोचमेंट नहीं किया है हमने आपका राइट इंफिल नहीं किया हमारे ऊपर स्टेट्यूटरी ड्यूटी थी हमारे पास ऑब्लीगेशन था हमारे पास स्टेट्यूटरी अथॉरिटी थी इस काम को करने की फिर है एक प्राइवेट डिफेंस जिस तरह से प्राइवेट डिफेंस हम आईपीसी में पढ़ते हैं वैसा ही प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर भी है ठीक है या फिर कह दो कि प्लेन टिफ इज रॉन्ग डूअर यानी कि जो कंप्लेन कर रहे हैं मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि मुझे इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा ठीक है अब लेकिन भी थी ना। ये खुद रोज मैं को मना कचरा मत फेंको मत, फेको, मत फेको। ये रोज कचरा फेंक रही थी तो ये खुद, खुद न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी खुद रोज स्ट्रेस पास कर रही है मेरी प्रॉपर्टी पर तो मैंने मार दिया थप्पड़ तो दिस इज क्या प्लेटिव की भी गलती थी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था दोनों के पार्ट पर ठीक है चलो अब आते हैं अगले चीज पर अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है आपका वाइकियस लाइबिलिटी। देखो वाइकैरियस लाइबिलिटी बहुत ऑफन हमने सुना भी है और बहुत कॉमन चीज है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वाइकैरियस लाइबिलिटी का देखो इन जनरल क्या होता है कि व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी ही गलती के लिए क्या होता है लायबल होता है मैंने कोई ऑफेंस किया मैंने कोई गलती करी मैं उसके लिए ठीक हूं है? लेकिन कुछ सिचुएशन लॉ में ऐसी भी है जहां पर आपको क्या मान के चला जाता है कि एक व्यक्ति अपनी नहीं बल्कि कि किसी दूसरे की गलती के लिए भी क्या हो सकता है लायबल हो सकता है क्यों लायबल हो सकता है ऐसा क्यों बनाया गया क्योंकि जिस व्यक्ति से गलती हुई वो व्यक्ति के ऊपर कोई और कंट्रोल रखे हुआ था किसी और का कंट्रोल था किसी और का सुपरविजनरी सुपरवाइजिंग पावर था मैंने अगर अपने अंडर एक एम्प्लॉय रखा है तो मेरे पास पावर है कि मैं उसे सुपरवाइज करूं, उसे गाइड करूं उसको ध्यान रखू गलत काम तो नहीं कर रहा है कोई नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहा है कोई रेकलेसनेस तो नहीं दिखा रहा है ठीक है तो इसीलिए मैंने अपनी ड्यूटी क्योंकि क्या मान लिया जाता है कि क्योंकि प्रिंसिपल ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं करी इसीलिए प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या थी कि सुपर अपने एजेंट को सुपरवाइज करे उसको सही से काम सिखाए उसको नेग्लिजेंट uh, या रेस्टलेस होने से uh, रोके लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन हम ये मान लेते हैं कि आपने अपनी ड्यूटी सही से नहीं करी इसीलिए अब आपके एजेंट ने जो गलती करी आप भी उसके लिए लाइबल हैं ठीक है तो ये बात यहां पर यह बेसिकली आपका लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है एक मैक्सिम है कोई पर एलियम एक्ट एक्ट ऑफ़ ऑफ़ सर्वेंट इज़ प्रिंसिपल क्या मतलब है इस बात का एक्ट ऑफ सर्वेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये जो प्रिंसिपल है ये सर्वेंट के ऊपर है या एजेंट के ऊपर है ठीक है तो ये क्या कर सकता है ये अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है चाहे तो सर्वेंट को कुछ करने से रोक सकता है और चाहे तो कुछ सर्वेंट को करने के लिए मजबूर भी कर सकता है इसीलिए इसको लायबल माना गया है अब आप खुद सोच के देखो मान लीजिए कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है ठीक है उसका काम था Uh, कि आप सामान जो है आप आज uh, मतलब आप निकलिए uh, uh, मान लीजिए भोपाल से निकलिए और से निकल करके आपको कोई uh, और जगह तमिलनाडु तक तो आपको सामान पहुंचाना है ठीक है आपको ये प, पर्टिकुलर बंदे हैं इनका सारा घर का फर्नीचर वर्नीचर इनका पोस्टिंग हो गई है वहां पे आपको ये सारा सामान uh, बाय रोड बाय ट्रक आपको यहाँ पहुंचाना है अब इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक है इस मालिक ने क्या किया इस बंदे को दो दिन बाद मतलब इसको निकलना था अगर एक तारीख को तो उस एक तारीख को निकलना था और छह तारीख को पहुंचना था लेकिन इस बंदे ने जो मालिक है मालिक ने गाड़ी ही ट्रक ड्राइवर को दी या ट्रक ड्राइवर को इन्फॉर्म ही कब किया तीन तारीख को इन्फॉर्म किया और अब क्योंकि सामने से प्रेशर है तो वो क्या कह रहा है सामने से जिन लोगों का लगेज पहुंचना है वो तो प्रेशराइज करेंगे ना भाई तो उनका प्रेशर है कि छह तारीख को आप पहुंच जाइए तो ये क्या कर रहा है ये अपने ड्राइवर को प्रेशराइज कर रहा है अब ड्राइवर बेचारा क्या करेगा ओवर स्पीड ही करेगा दो दिन का काम अगर उसको एक दिन में करना है तो वो ओवर स्पीड करे गाड़ी चलाएगा तो अब ये ओवर स्पीड गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो इस केस में ड्राइवर की गलती है इस केस में ड्राइवर की गलती है कि वो ओवर स्पीड कर रहा था लेकिन क्यों कर रहा था क्योंकि प्रिंसिपल या जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है वो उसको प्रेशराइज कर रहा था तो इसीलिए ऐसा मान के चला जाता है कि अगर आप प्रिंसिपल को भी फॉल्टी मान लोगे ना अगर आप प्रिंसिपल की भी लाइबिलिटी अपहेल्ड करोगे तो ये अपने आप अपने ड्राइवर को अपने सर्वेंट को अपने एजेंट को ट्यून करके रखेगा उसको टाइट करके रखेगा भाई तुम्हें ये गलती नहीं करनी है या उसको प्रेशराइज नहीं करेगा कुछ भी ऐसा करने के लिए जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसानों को नुकसान हो जाए ठीक है अब अगर सिर्फ सर्वेंट को जो ड्राइवर है सिर्फ आप उसको लाइबल मानोगे तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को क्या फर्क पड़ता है वो चार बार और ऐसे ही करवाएगा किसी दूसरे ड्राइवर से हाँ भैया तो दो दिन का काम एक दिन में करके आना है तुमको ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करेगा उसकी वजह से किसी और को नुकसान होगा लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी को ही जिम्मेदार मान लोगे तो फिर वो ड्राइवर पे नजर रखेगा कि चल लाइव लोकेशन भेज कहाँ पहुंचा ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है सही से ड्राइव तो कर रहा है चालान तो नहीं कटवाया कहीं पर ठीक है तो इसीलिए ताकि प्रिंसिपल क्योंकि मान के चलते हम प्रिंसिपल के पास पावर है कि वो सर्वेंट को सुपरवाइज कर सकता है उसको कंट्रोल कर सकता है इसीलिए हम प्रिंसिपल के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डालते हैं कि अगर सर्वेंट उसका सही से कुछ नहीं करता है इसका मतलब है कि principal ने भी भी अपनी से नहीं करी और इसलिए वो भी liable होगा गुड आफ्टरनून काजल uh, देखते हैं काजल ठीक है क्रैश कोर्स प्लैंड है क्या है क्रैश कोर्स के सब्जेक्ट वो आपको इवेंचुअली पता चल जाएंगे ठीक है चलो अब आते हैं अपन अच्छा इसी के कुछ एग्जाम्पल्स वाईकेरस लाइब्रेट के एग्जाम्पल्स क्या है वाईकेरस लाइब्रेटी का बेसिक मतलब क्या है कि गलती आपकी नहीं थी लेकिन आप लाइबल है क्यों लाइबल है क्योंकि आप उस पर्सन के साथ जिसने गलती करी कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होल्ड करते हैं वो क्या है आप प्रिंसिपल एजेंट हैं या फिर आप मास्टर सर्वेंट है या फिर आप एक फॉर्म में पार्टनर है एक पार्टनर की गलती के लिए सारे पार्टनर लाइबल होंगे ठीक है प्रोवाइडेड कुछ चीजें क्या है इसमें जरूरी है देखो जब प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एजेंट के केस में अथॉरिटी होनी चाहिए सर्वेंट के पास में सर्वेंट को अथॉरिटी दी गई है अगर और फिर उसने उस अथॉरिटी का गलत मिस करते हुए करा कोई काम तो वो जिम्मेदार माना जाएगा जाएगा और और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी जिम्मेदार अब ये अथॉरिटी एक्सप्रेस दोनों हो सकती है जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसली ही प्रिंसिपल कहे कि सुनो गाड़ी ओवर स्पीड करते हुए लेकर के आना लेकिन सिर्फ इंप्लाइडली बार 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 आपका मालिक आपसे ये कहता रहे कि जल्दी गाड़ी चला के लेके आना जल्दी गाड़ी चला के लेके आना जल्दी टाइम से पहुंचना जल्दी टाइम से पहुंचना तो ही आप मतलब आपका जो गलत गलती हुई आपसे उस गलती के लिए आपको डायरेक्टली उस गलती को करने के लिए आपको डायरेक्टली कहा गया था या इन इम्प्लाइड मैनर कहा गया था वो जरूरी नहीं है अगर आपको अथॉरिटी थी और आपने आपने उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया तो आपके साथ साथ आपका प्रिंसिपल भी लाइबल हो जाएगा गुड आफ्टरनून लॉ स्टडीज ठीक है दूसरा है मास्टर सर्वेंट मास्टर सर्वेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज एम्प्लॉयमेंट को अंजाम देते देते हुआ या आप उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा कर रहे थे जिस काम के लिए आप एम्प्लॉयड थे आप उस काम को करते करते आपने कोई टॉर्ट uh, कमिट किया है उस काम को करने के लिए कोई टॉट uh, कमिट किया है ठीक है जैसे मान लो कि आप अः uh, मास्टर और एक एक एक, एक, एक सर्वेंट है, एक है है टेलर टेलर और उस उस की की दुकान दुकान या डिजाइनर डिजाइनर बहुत सारे चार पांच लोग काम करते आप ठीक है तो इस व्यक्ति के यहाँ पर एक नौकर काम करता होता है जो क्या करता है उस कोट को चुरा करके भाग जाता है तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होता है आपका जो आ, प्रिंसिपल है उसको भी लायबल मान लिया जाता है क्यों लायबल मान जाता है क्योंकि ड्राई क्लीनर को ड्राई क्लीनर का जो सर्वेंट था उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो चोरी करी ठीक है चलो लॉ स्टडीज यू कैन टॉक टू आर एडमिन टीम अबाउट दिस ओके ट्राई टू सर्च फॉर करियर्स एट एलेक आपको वहां पर बात uh, आपको वहां पर आप बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग चलो तो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जब भी आप अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो आप अपना एम्प्लॉयमेंट को पोर्स्यू कर रहे हो तब उस कोर्स में अगर आपको एक एक्ट करते हो हो जो है 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 तो फिर फिर आपके आपके मास्टर की भी आप पे साथ साथ जाएगी ठीक आता है, आ, अब इनकी तीनों की जो लाइब्रिटी है ना वो किस तरह की नेचर क्या होता है इन तीनों की लाइब्रिटी का इन तीनों की लाइब्रिटी का जो नेचर है वो है जॉइंट एंड several joint and several joint in several liability अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो है हमारी अच्छा इसी में ना मिसडजब सर्वेंट की बात आती है तो सर्वेंट ने बाय मिस्टेक कुछ किया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई फ्रॉड कमिट किया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थेफ्ट कमिट किया दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर उसने कोई नेग्लिजेंस कमिट किया नेग्लिजेंस कमिट किया इन चारों ही केसेस में क्या होगा अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है तो मास्टर विल बी लाइबल ठीक है बस क्या चेक करना है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है अगर इतनी बात वेरीफाइड है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही काम करते करते उसने चोरी कर ली उसने उसनेग्लिजेंस uh, कर दिया या उसने फ्रॉड कर लिया या मिस्टेक कर दी तो भी क्या हो जाएगा उसको टॉट मान लिया जाएगा और साथ में मास्टर को भी क्या मिलेगा पनिशमेंट मिलेगा अब आते हैं अगली चीज पर जो है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेज रिमोटनेस ऑफ डैमेज जो है एक मैगजिम है एड इनफिनिटम एड इनफिनिटम एड इनफिनिटम का मतलब क्या होता है एड इंफिनेटम का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप किसी को भी अगेन एंड अगेन इन द सेम वे पनिश नहीं कर सकते ठीक है अगेन एंड अगेन इन सेम वे इसका अर्थ क्या है अगेन अगेन एंड अगेन इन सेम वे अगेन एंड अगेन इन सेम वे

यह बहुत रिमोट डैमेज कॉज हुआ है रिमोट मतलब देखो एक एग्जाम्पल है उसका कि एक साइकिलिस्ट बंदा जा रहा था और एक आ, आ, उसके ऊपर मतलब नॉर्मल आपके फुटपाथ के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा था ठीक है तो यह बंदा फुटपाथ के ऊपर साइकिल चलाते जा रहा था अब ये बात तो पता है कि साइकिल फुटपाथ के ऊपर चलाना क्या है गलत है फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए है लेकिन उस पेडेस्ट्रियन के एक साइकिलिस्ट जो है वो आपके फुटपाथ पे साइकिल चला था पेडेस्ट्रियन से टकराया पेडेस्ट्रियन के पॉकेट में बॉम्ब था बॉम्ब फट गया और बहुत सारा नुकसान हो गया तो अब आप इस व्यक्ति को क्या बॉम्ब फटने के लिए भी लाइबल मानोगे या सिर्फ फुटपाथ पे साइकिल चलाने के लिए लाइबल मानोगे बहुत सिंपल सी बात है कि सिर्फ फुटपाथ पे साइकिल चलाने के लिए मानोगे क्यों क्योंकि अगर आप फुटपाथ पे गाड़ी चला रहे हो साइकिल चला रहे हो तो यू नो दैट कि आपका एक्सीडेंट आप एक्सीडेंट कमिट कर सकते हो आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो क्योंकि आप वो गलत एक्ट कर रहे हो ठीक है लेकिन आप किसी को एक्सीडेंट कमिट कर दो किसी का उसकी जेब में बम होगा इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी होती है वॉट आर दी ऑर्ड्स ऑफ सच ए हैपनिंग तो अगर ये बहुत ही दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है है ना इतना रिमोट डैमेज कमिट हुआ आपके किसी इंसान को साइकिल से ठोक देने से कि आपने इमेजिन ही कभी सपने में इमेजिन नहीं किया होगा तो इन दैट सिचुएशन यू विल ओनली बी हेल्ड लाइबल फॉर साइकिलिंग ऑन दी फुटपाथ एंड नॉट फॉर बॉम्ब ब्लास्ट क्यों क्योंकि आपने कभी वो सोचा ही नहीं था वो जो डैमेज कॉज हुआ है ना दैट वॉज वेरी रिमोट टू योर एक्शन आपने जो काम किया आपने जो ओमिशन किया या जो आपने एक्ट किया उससे बहुत दूर दूर तक रिलेटेड नहीं था वो डैमेज uh, ठीक है इसीलिए तो अब इसके लिए दो टेस्ट दिए गए एक टेस्ट दिया गया रीजनेबल फोरसाइट का टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर साइट रीजनेबल फोर मतलब कि मैं मैं अपने किसी act के क्या-क्या देख क्या, uh, देख सकती हूं। अगर मैं कोई repercussion देख सक रही तो फिर मुझे क्या मान लिया जाएगा लाइबल मान लिया लेकिन तो फिर मुझे लाइबल नहीं माना जाएगा अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि थोड़ा वेग कॉन्सेप्ट था ये कह दिया गया कि यार कोई हो सकता है कि किसी एक एक्ट का कंसिक्वेंस बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो लेकिन मैं नहीं सोच पाई उस कंसिक्वेंस को एज अ प्रूडेंट इंसान मैं उसको नहीं इमेजिन कर पाई या नहीं सोच पाई तो क्या फिर मेरी गलती नहीं है इसीलिए दूसरा टेस्ट निकाला गया वो था टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस यानी कि आपने जो डैमेज कॉज किया और आपने जो एक्ट किया उन दोनों के बीच में रिलेशन कितना डायरेक्ट है बस हम ये देखेंगे अगर बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है अब आप उसे फोर्सिंग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे आपने उसे फोर्स ही किया था कि नहीं किया था ये सब इज आउट ऑफ क्वेश्चन हमको सिर्फ ये देखना है कि कितना डायरेक्ट रिलेशन था डैमेज और एक्ट के बीच में अगर एक्ट और डैमेज बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड थे तो आप सिर्फ लाइबल होंगे इसके लिए ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बातें है ना देखो आप हर तरह का डैमेज तो आप पे करते नहीं घूमोगे ठीक है वही वाली बात है साइक्लिस्ट साइकिल थोड़ा पता था कि उसके पास में बॉम्ब होगा तो इसीलिए हर डैमेज को तो कॉम्पनसेट नहीं करवाया जा सकता या हर डैमेज तो आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डैमेज उस बिचारे व्यक्ति ने जो एक्ट किया है उसके साथ संभव कनेक्टेड था अगर डायरेक्ट कनेक्शन था या कोई भी किसी भी तरह का डायरेक्टनेस थी दोनों के एक्शन एक्शन और, आ, 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 और आ, 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 कंसिक्वेंस के बीच में तो पनिशेबल होगा अगर नहीं थी तो नहीं होगा ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेसपास टू पर्सन ठीक है अ पर्सन में जो अपन ने डिसाइड किया था कि अपन तीन चीजें पढ़ेंगे क्या चीजें पढ़ेंगे तीन एक अपना असोल्ट दूसरा बैटरी और तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अब असोल्ट का मतलब क्या होता है असोल्ट बैटरी और फॉल्स इंप्रेजनमेंट Assault का मतलब होता है कि जब भी आपको apprehension हुआ कि battery cause हो सकती है, है? है, है? है? ठीक जब भी reasonable apprehension cause होता है, apprehension क्या क्या खौफ या डर आपके मन में पैदा हुआ. अब देखो, का अर्थ मैंने उठा करके एक पानी की बॉटल ली और आपकी तरफ एम करा ठीक है ये है असोल्ट ठीक है क्योंकि अभी मैंने मारा नहीं है आपको सिर्फ मैंने आपको बोटल गुस्से में दिखाई है विच मीन कि ये असोल्ट है आपको डर आपके मन में डर पैदा हो गया जैसे मम्मी क्या करती है आंख दिखा के जो थप्पड़ उठाती है ठीक है हाथ उठाती है तो आपको लगता है आप थप्पड़ पड़ने वाला है तो जैसे ही अप्रिहेंशन दिमाग में कॉज हुआ कि थप्पड़ पड़ेगा वैसे ही क्या हो गया असोल्ट कमिट हो गया अब अगर ये थप्पड़ यहीं रह करके हाथ वापस नीचे चला गया तो तो ये असोल्ट ही रह गया लेकिन वही ये थप्पड़ अगर ये गाल पे चिपक गया तो क्या हो जाएगा बैटरी हो जाएगा समझ में आया जब आप किसी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए हाथ उठाते हो या अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो तो आप उस और उसकी वजह से किसी के मन में खौफ पैदा होता है डर पैदा होता है तो वो असोल्ट कहलाता है और जब आप उसी एक्ट को पूरा कर देते हो उसी अटेम्प्ट वही हाथ मम्मी ने उठा रखा था और आपके गाल पे चिपका भी दिया तो वो क्या हो जाएगा बैटरी हो जाएगा जब प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट के साथ में आपके साथ में आपको मार पड़ जाए या आपके फोर्स इन्फ्लिक्ट किया जाए आपकी बॉडी पे तो उसको क्या कहा जाता है बैटरी कहा जाता है ठीक है तो ये तो हो गया बहुत लेमन लैंग्वेज में आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं रीजनेबल अप्रेहेंशन होना चाहिए देखो पहली चीज क्या कह रहा है रीजनेबल एप्रिहेंशन अब आप एक प्रूडेंट इंसान थे और सामने वाले ने आपके ऊपर पानी की बोतल यूं एम करी और आप डर गए ठीक है तो ये तो क्या हो गया आपको लगा कि यार बोतल फेंक के मार जाए कांच की, की बोतल बॉटल सर्वर फट जाएगा ठीक है चोट लग जाएगी मुझे तो ये रीजनेबल अप्रिहेंशन है लेकिन अब किसी ने आपको सिर्फ एक मतलब इतना कोई खौफनाक चीज नहीं थी एक बहुत मामूली सी बात दिखाई और आप उससे खौफ खौफ ज्यादा हो गए बहुत ज्यादा आपको डर लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही बहुत ही भयंकर इसका कोई परिणाम हो सकता है तो ये क्या है रीजनेबल अप्रिहेंशन नहीं है ठीक है मतलब आप के ऊपर थप्पड़ उठाया गया है और आपको मौत का डर लग रहा है आपके मन में मौत का खौफ आ रहा है तो फिर आप बेवकूफ हो ना वो वाली बात है कि जितना रीजनेबल है उतना ही डर लगना चाहिए एक थप्पड़ से गाल लाल हो सकता है थप्पड़ का हाथ बन सकता है ठीक है थोड़ी देर गाल दुख सकता है जबड़ा दुख सकता है दात दा, दा टूट सकता है या नाक से खून आ सकता है लेकिन अब आपको एक थप्पड़ से अगर मौत का खौफ हो जाए तो फिर ये तो क्या है रीजनेबल अप्रेहेंशन नहीं है ठीक है तो रीजनेबल अप्रेहेंशन की बात कर रहा है कि आपके मन में एक्चुअल में डर पैदा होना चाहिए और वो डर रीजनेबल होना चाहिए ठीक है फिर क्या है आप असोल्ट को क्या कह सकते हो आप असोल्ट को अटेम्प्ट टू हार्म कह सकते हो देन दी हार्म हार्म अगर हो गया है तो वो बैटरी हो जाएगा लेकिन अगर अटेम्प्ट टू हार्म है तो उसे क्या कहेंगे हम टू हार्म जैसे ही अटेम्प्ट टू हार्म पूरा हुआ है ना और सच में हार्म पहुंचा दिया तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा अब देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ किसी ने मैंने पिस्टल उठाई और आपकी तरफ एम करी अब आपको ये बात पता है कि पिस्टल अनलोडेड है क्यों क्योंकि उसके जो बुलेट्स हैं वो सामने आपको पड़े हुए दिख रहे हैं आपको मालूम है मैंने खुद आपके सामने पिस्टल पूरी खाली करके बुलेट सामने नीचे रख दिए अब फिर भी आपको उससे डर लग रहा है तो क्या ये रीजनेबल अप्रेहेंशन है ये नहीं है और इन दैट सिचुएशन क्या होगा असोल्ट कमिट नहीं होगा भले ही मैंने आपको बंदूक दिखाई हो क्यों क्योंकि आपको भी पता है कि बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है मुझे भी पता है कि बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है आपको भी पता है कि मेरे ट्रिगर दबाने से आपकी मृत्यु नहीं होगी आपको चोट नहीं पहुंचेगी मुझे भी ये बात पता है कि ऐसा नहीं होने वाला तो इसका मतलब क्या है कि रीजनेबल अप्रेहेंशन कॉज ही नहीं हुआ रीजनेबल अप्रेहेंशन क्या है एक मैंडेटरी आपका एस्पेक्ट है मैंडेटरी एलिमेंट है असोल्ट कमिट होने के लिए ठीक है तो अगर रीजनेबल अप्रेहेंशन है तो असोल्ट है अगर रीजनेबल अप्रेहेंशन कमिट क्रिएट ही

और गाल पे चिपका भी दिया गाल लाल हो गया छप गई ये हो गया क्या आपका बैटरी और बैटरी कब होता है वेन एन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंटेंशनल इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ठीक है इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब भी होगा देखो दो बातें हैं यहां पर ठीक है दो टर्म्स है एक इंटेंशनल है और एक फोर्स है ठीक है दोनों का बना भी समझेंगे इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब भी होता है तो वो क्या होती है बैटरी होती है एंड इट इज मैं आ, पुलिस वाला ये मान लो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ठीक है थीके? और ए, एक ने आपको थप्पड़ मारा आपने पलट के उसको एक डंडे से मार दिया ठीक है

तो फिर क्या है लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो जब भी लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा और आपकी कुटाई होगी तो फिर वो बैटरी नहीं होगी लेकिन अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है और फिर भी कुटाई हो गई तो फिर वो बैटरी हो जाएगा ठीक है अब देखो इसमें जो वर्ड यूज है वो है फोर्स फोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन फोर्स का अर्थ ये नहीं है कि आप एक्चुअल में डायरेक्टली अपने बॉडी से बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट जरूरी यानी की बॉडी जिसको थप्पड़ पड़ रहा है वो और जो थप्पड़ मार रहा है उन दोनों का आपस में कांटेक्ट माना जरूरी नहीं है ना जरूरी नहीं है कि गाल पे थप्पड़ आएगा तो ही बैटरी है अगर डंडा मम्मी ने मारा मम्मी ने बेलन फेंक के मार दिया मम्मी ने झाड़ू फेंक के मार दिया चप्पल फेंक के मार दिया ये सब भी क्या है आपका बैटरी है यानी कि किसी भी वजह से अगर आपके ऊपर फोर्स आ रहा है ठीक है तो दैट विल बी वॉट बैटरी चाहे वो किसी हीट की वजह से हो चाहे लाइट की वजह से हो चाहे आपका किसी इलेक्ट्रिसिटी uh, की वजह से हो बुलेट की वजह से हो स्मेल की वजह से हो है ना ये सब क्या है ये सब बैटरी के में आ जाता है चलो जस्ट द टचिंग इन और देखो दूसरी चीज क्या है इफ यू मेयरली टच समन इन एंगर ना दैट ऑल्सो विल बी बैटरी आप उसको चोट कितनी लगी है दैट इज नॉट द क्वेश्चन आपने गुस्से में गए आप उसको जाकर के आपने पूरा ऐसे दान पीसे गुस्से में जाकर उसको थप्पड़ मारने के लिए गए और आपने उसका कॉलर यू पकड़ करके हिला दिया उसको ठीक है अब उसको चोट नहीं लगी है उससे लेकिन द मेयर टच इन एंगर विल अमाउंट टू बैटरी ठीक है तो ये बात ध्यान रखना मेयर टच इन एंगर बैटरी ठीक है और फोर्स डायरेक्ट नहीं होना फोर्स का डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है फोर्स किसी और तरीके से भी इंफ्लिक्ट किया जा सकता है किसी है ना किसी और चीज के माध्यम से भी डंडे के चप्पल के बेलन के किसी के भी माध्यम से हो सकता है चलो आगे चलते हैं अब आते हैं अपन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे है ना आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होगी फॉल्स इंप्रेजेंटमेंट पे आते हैं फॉल्स इंप्रेजेंट का मतलब होता है टोटल रेस्ट्रेंथ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी छोटा टाइम पीरियड हो अगर लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए आपको एक जगह पर रेस्ट्रेन कर दिया गया है ना सबसे पहली बात तो क्या जरूरी है टोटल रेस्ट्रेन जरूरी है टोटल रेस्ट्रेन टोटल रेस्ट्रेन का अर्थ क्या हो गया कि आप अब किसी भी दिशा में नहीं जा सकते अगर आपको बोला गया है कि आप उत्तर दिशा में नहीं जा सकते हो दक्षिण पश्चिम और पूर्व में चले जाओ तो फिर वो टोटल रेस्ट्रेन नहीं है ठीक है अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है तो उसको टोटल रिस्ट्रेंट नहीं कहते हैं टोटल रिस्ट्रेंट सिर्फ तभी होगा जब आपको किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए ठीक है क्या ओपन फील्ड के अंदर हो सकता है रेस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है कि चार दीवारी के अंदर ही आपको बांध के रख दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप एक फील्ड में है मान लीजिए रामलीला मैदान में आप जाकर के धरना दे रहे थे और पुलिस ने आकर के आपको वहां घेर लिया और कह दिया अब हिल के दिखाओ यहाँ से अब तुम तो यहां से हिलोगे नहीं जब तक हम जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा जब तक तुम्हारा डिफेंस का वकील ऑर्डर नहीं लिखा था तब तक तुमको यहां से हेले नहीं दिया जाएगा आपको यहीं बिठाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा क्या वो टोटल रेस्ट्रेन होगा बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि भले ही ओपन फील्ड है कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है लेकिन खौफ है आपको पुलिस वाले का कि अभी जाऊंगा अगर उठ करके वहां पर तो डंडे पड़ेंगे ठीक है तो वो क्या हो जाएगा टोटल रेस्ट्रेन के डेफिनेशन में आ जाएगा जरूरी नहीं है कि चार दिवारी में ही हो टोटल टोटल रेस्ट्रिक्शन या टोटल रेस्ट्रेन एक ओपन फील्ड में भी हो सकता है ठीक है फिर आते हैं एंड देर इज विदाउट फॉर अ पीरियड फॉर अ पीरियड एक अंतराल के लिए होना चाहिए अंतराल कितना भी छोटा हो दैट इज ए एंड द थर्ड इज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है ठीक है वही बात बस ऐसे इमेजिन कर लो कि वोट डालने जाना था मुझे मैं मेरे चार पांच दोस्त वोट डालने के लिए जा रहे थे दूसरी पार्टी के कुछ गुंडे आए उन्होंने आकर के हमको रोक लिया वहीं पर और कहा नहीं जाओगे वोट देने के लिए तो ये कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन तो नहीं है वोट देना मेरा अधिकार है आप मुझे जाने दे रहे और आपने मुझे टोटली रेस्ट्रेन किया हो रिस्ट्रेन किसी भी तरह का तो चाहे तो आप मुझे कमरे में बंद कर दो चाहे आप मुझे मतलब एक जगह पे रिस्ट्रेन कर लो भैया नहीं नहीं जाओगे ठीक है तो so, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी आपके फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एंबिट में आ जाती है एंड कन्फाइनमेंट बिटवीन फोर वॉल्स और प्रिवेंटिंग फ्रॉम लीविंग अ प्लेस बोथ आर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ठीक है लेकिन अगर ओपन फील्ड अच्छा और ओपन फील्ड में भी इम्प्रिजनमेंट uh, हो सकता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये भी मैं बता चुकी हूं लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नथिंग विल बी कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इफ नी अदर डायरेक्शन जो मैंने बोला कि नॉर्थ में नहीं जाना है उत्तर में नहीं जाना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आप जा सकते हो ठीक है या फिर इफ देर आर मीन्स टू एस्केप देन इट इज नॉट टोटल रेस्ट्रेन ठीक है अगर आपके पास में उस जगह से निकलने का रास्ता था आपको पता था कि यार यहाँ का दरवाजा तो बंद है लेकिन खिड़की जो है वो खुली हुई है और वो टूटी हुई भी है मैं वहां से निकल सकता हूँ तो फिर ये टोटल स्टेट नहीं है अगर आपके पास में बाहर निकलने का जरिया है अच्छा अब वो जरिया प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ठीक है मान लो आप एक तीन फिट के साढ़े तीन चार फिट के इंसान को या पांच फिट के इंसान को एक बारह फिट के कमरे के अंदर पैक कर देते हो और बारह फिट ऊपर एक खिड़की दी हुई है और आप कह दो कि ये खिड़की है तो सही ये तो एस्केप था ये तो निकल सकता था इस, इस खिड़की के ऊपर ना ग्रिल लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है पूरा ओपन वेंट है ये यहाँ से आराम से निकल सकता है हमने तो बल्कि पीछे सीढ़ी भी लगा रखी थी इसके लिए कि ये यहाँ से कैसे भी करके चढ़ जाए और पीछे सीढ़ी से आराम से उतर के भग जाए तो ये टोटल रेस्ट्रेन होगा क्यों होगा क्योंकि इस व्यक्ति का पांच फुट के व्यक्ति का बारह फिट की दीवार चढ़ करके ऊपर से निकल पाना क्या था पॉसिबल ही नहीं था Unless उसके पास वहां भी कोई आपने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करी हो ठीक है सिर्फ चार दीवारें हैं और एक खिड़की है बारह फीट ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है निकलना तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां से भग जाने का स्कोप तो था देखो इसीलिए ये टोटल टोटल रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन नहीं था में से एस्केप करने का जो आपका जरिया है वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं आपके अः हाँ तो फॉल्स इम्प्रेजनमेंट भी यहां पर आपका खत्म हो गया अब आते हैं अगली चीज पर जो है डिफेमेशन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका टॉट uh, की uh, पूरी कहानी है डिफेमेशन डिफेमेशन के दो तरीके हैं जो आइडेंटिफाइड है लॉ ऑफ टॉट्स में एक है आपका लिबल दूसरा है आपका स्लैंडर ठीक है दो तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है लिबल और स्लैंडर के फॉर्म में इंडियन लॉ में दो अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है एक ही चीज है ठीक है डिफेमेशन ही वर्ड है लिबल या स्लैंडर में उसको डिफ्रेंशियट नहीं किया गया है ठीक है अच्छा और डिफेमेशन का काम क्या है जब भी इंजुरी टू रेप्युटेशन होता है ठीक है तो उसको क्या मानते हैं डिफेमेशन मानते हैं क्यों मानते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है कि किसी इंसान की इज्जत जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है तो जिस तरह से अगर आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार आपसे छीना जाए या आपकी प्रॉपर्टी के राइट के साथ में कोई खिलवाड़ करे तो वो एक ऑफेंस होगा उसी तरह से अगर कोई आपकी रेप्युटेशन जो कि आपकी प्रॉपर्टी तो है ही लेकिन आपकी इन जनरल मटीरियल प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर क्या होगा उसको भी हम एक ऑफेंस मानेंगे इसीलिए किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाना क्या है डिफेमेशन है और उसको दो चीजों में बांटा गया है एक है लिबल और एक है स्लैंडर इंडियन लॉ लिबल या को आइडेंटिफाई नहीं करता वो डिफेमेशन को एज डिफेमेशन ही कंस्ट्रू करता है साथ ही में इंडिया में डिफेमेशन जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन फोर ऑफ आईपीसी जिसका पनिशमेंट फाइव आईपीसी में है साथ ही में वहां पर दस एक्स एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं ठीक है कि क्या क्या ये दस बातें हैं जिसके अंतर्गत अगर आप कोई चीज बोलते हो या कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करते हो तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा ठीक है ये बातें यहाँ क्लियरली बताई गई हैं लेकिन फॉरेन लॉ में ऐसा नहीं फॉरेन लॉ में लिबल स्लैंडर का अपना अपना वो है लिबल को पनिशेबल माना है स्लैंडर को नहीं माना है कहीं दोनों को पनिशेबल माना है इस तरह का डिफ्रेंसिएशन है अब अपन देखते हैं कि लिबल और स्लैंडर एक्चुअल में होता क्या है जब भी आप कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी करोगे जो कि पर्मानेंट इन फॉर्म है ठीक है पर्मानेंट Permanent इन फॉर्म ठीक है यानी कि क्या कोई राइटिंग कोई चीज लिखित प्रिंटेडेड ये सब क्या हो जाएगी ये सब आपका लिबल हो जाएगा जब भी आपने किसी को जलील किया इन माध्यमों से या फिर किसी ऐसे माध्यम से जो पर्मानेंट है तो क्या हो जाएगा वो लिबल हो जाएगा लेकिन कभी भी आपने किसी नॉन पर्मनेंट वे में नॉन परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने बोल दिया बस आपने मुंह से यूं ही निकाल दिया ठीक है और आप इसको कैसा भी कह सकते हो कि ट्रांजिएंट फॉर्म में और ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट फॉर्म में किसी को डिफेम किया है ना पब्लिश कर दिया कुछ नॉन परमानेंट ट्रांजिएंट फॉर्म पब्लिकेशन पब्लिकेशन ऑफ इंसल्ट ठीक है अब नॉन प्रॉमेंट क्या है मैंने किसी को गाली बग दी ठीक है मैंने किसी को एक गाली दे दी गाली मैंने दी गाली जिसने जिसको सुननी थी उसने सुन ली चार लोग और खड़े थे वहां पर ये लेकिन ये क्या है ये टेम्पररी एक ट्रांजिएंट था या नॉन परमानेंट था इसका कोई एविडेंस एज अ छाप नहीं छूटा कहीं पर ठीक है कहीं पर ये लिखित में नहीं रह गया या कहीं पर ये प्रिंट में या पेंटेड फॉर्म में नहीं रह गया है तो इसलिए इसको ट्रांजिएंट फॉर्म माना गया है और इसीलिए इसको कई सारे लॉज में इंग्लिश लॉ में एज एन ऑफेंस रिकोग्नाइज भी नहीं किया हुआ है ठीक है लेकिन जब भी लिखित होगा प्रिंटेड होगा या पेंटेड होगा तो उसको लिबल माना जाएगा और उसको ऑफेंसिव माना जाएगा ठीक है तो जब आप वर्बली कोई डिफेमेटरी बात बोलते हो तो वो स्लैंडर में आता है और जब आप कोई लिखित या प्रिंट मीडिया

वो ऑडियो क्या होगी डिफेमेट्री अगर होगी तो आप उसको लिबल मानोगे स्लैंडर मानोगे क्योंकि वर्बल वर्ड्स को तो हमने यहां वर्ड्स को वर्बल वर्ड्स को वर्बल एग्जाम्पल क्या है इसके वर्बल वर्ड्स स्पीच स्पीच को तो हम क्या मान के चल रहे हैं नॉन नॉन सॉरी टेम्पररी या फिर ट्रांजेंट मान के चल रहे हैं तो वो तो स्लैंडर है तो फिर क्या अगर किसी मूवी में आपने किसी की इंसल्ट कर, कर दिया किसी को डिफेम कर दिया किसी के अगेंस्ट को डिफेम स्टेटमेंट बोल दिया तो वो पनिबल नहीं होगा होगा क्यों होगा क्योंकि पिक्चर्स के साथ साथ जब भी पिक्चर के साथ साउंड आएगा ना यानी कि विजुअल्स के साथ साउंड आएगा तो उसको लेबल की कैटेगरी में मान लिया जाएगा ठीक इसी है इसीलिए जो कमेडियंस होते हैं ना उन कमेडियंस का कोई स्टेटमेंट देना कोई ऐसी बात बोल देना जो कि किसी के अगेंस्ट क्या है एक ऑफेंस डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो क्या मान ली जाएगी डिफेमेशन के एम्बिट में लेकर के उस बंदे को आप उस कॉमेडियन को प्रोसिक्यूट करा सकते हो ठीक है एक और चीज होती है इनडो Invento का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो प्राइम ऑफ प्राइमोफे तो आपको बहुत इनोसेंट स्टेटमेंट दिख रहा है ठीक है मैंने कहा अरे यार तुम तो बहुत साधु इंसान हो ठीक है अब मैं उसे ऐसा क्यों कह रही हूँ क्यों? कुछ साल पहले दस साल पहले चोरी करके भागा था यहाँ से और जाकर के साधु बन करके रह रहा था बनारस में तो मैं ऐसे अगर मुझे उसके मतलब जो स्टेटमेंट था वो बहुत इनोसेंट है प्राइम ऑफ एसी लेकिन उसका कोई अल्टीरियर इंटेंशन है या उसका कोई लेटेंट मीनिंग है क्यों क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने उसको वो ताना मारा है तो जब आप कोई चीज मजाक में बोल देते हो ठीक है आपका त, त, आ, आपका तरीका क्या था तंस, तंस मारना किसी को है ना वो चीज या ताना मारना तो ये ताना और तंस जो है वो आपने सामने तो आपका स्टेटमेंट बड़ा प्यारा दिख रहा है सिंपल सा इनोसेंट स्टेटमेंट दिख रहा है लेकिन क्योंकि उसके साथ में बैकग्राउंड ऐसा हटाया था जिसकी वजह से सामने वाले इंसान की इंसल्ट हो रही है तो फिर उस इन एंडो को भी आप अलग से पनिश कर सकते हो ये कॉमेडियंस वगैरह जो होते हैं ना वो स्टेटमेंट देते हैं ये सब चीजें उसमें आ जाती है और बार आपको डिफेमेशन का जो स्वाद है वो फिर वो चखना पड़ जाता है फोर में प्रोसिक्यूट हो जाते हो केस है इसमें राम जेठ मलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का इस केस में पर्टिक्युलरली क्या हुआ था कि राम जेठ मलानी जो है वो आ, मद्रास के के स्टेट आ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे ठीक है और केस चल रहा था राजीव गांधी की मर्डर का है ना उनके असासिनेशन का तो उनके एसासिनेशन के केस के अंदर क्या होता है कि ये जो आ, सुब आ, जो आपके डिफेंडेंट है वो ये कह देते हैं

कि भैया जो मतलब आ, स्टेट के जो वकील है वो आ, जो आ, राजीव गांधी की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो ये कह देते हैं कि जो आ, वकील है ना इनका स्टेट आ, स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर का जो वकील है राम मलानी इन्होंने घूस ली हुई है किससे एल ये टी के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने उनसे पैसा खूब सारा खाया हुआ है इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर खुद तो मिले ही चीफ मिनिस्टर के ऊपर तो केस ही लगाया कि आप इन्वॉल्व थे और चीफ मिनिस्टर के साथ ये भी चीफ मिनिस्टर के, सा के साथ मिले हुए हैं के साथ मिले हुए इसलिए चीफ मिनिस्टर को क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं और इन्होंने पैसा खाया है किससे एल से तो राम जेठ मलानी उठा करके क्वेश्चन कर देते हैं कि जो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने घूस खाई है ये आपका कोर्ट में जो एक आर्ग्यू uh, करने का प्रिविलेज uh, है ना उसके बियॉन्ड जाकर के आपने कर दिया तो उसमें कोर्ट उसको uh, सुब्रमण्यम स्वामी को लाइबल uh, भी मानता है उनको कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने जो बात बोली है उसका केस से कोई लेना देना नहीं था आपका काम था कि आप प्रूव करें आप एविडेंसेस वो लेकर के आइए जिन एविडेंसेज से ये प्रूव हो कि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व थे अब वकील क्या कर रहा है वकील किससे घूस ले रहा है किससे पैसा ले रहा है यू कैनॉट मेक सच पर्सनल कॉमेंट एंड इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग एविडेंसेज विदाउट एविडेंसिस यू कैनॉट ठीक है तो उनको डिफेमेशन के लिए वहां पर लायबल मान लिया था चलो अब आगे चलते हैं डिफेंसेस के ऊपर अच्छा इसेंशियल देख लो इसेंशियल क्या क्या होंगे आपके डिफेमेशन uh, के स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी सबसे पहले इसेंशियल क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी होना चाहिए इसेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी ठीक है वो स्टेटमेंट से आप कुछ जलील हुए तो फिर वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी है अदरवाइज नहीं है डिफेमेशन ठीक है और डिफेमेशन कब होगा जब आप झूठ में को, कोई बात जो झूठ है मतलब सच नहीं है और साथ में आपकी रेपुटेशन को हैम्पर कर रही है तो वो डिफेमेशन होता है अगर कोई बात सच है और वो आपकी रेपुटेशन को हैम्पर कर रही है तो वो डिफेमेशन नहीं होता आप कहो कि अंकिता मैम आपने तो मर्डर किया है ठीक है तो अब अगर आके कोई यहाँ कमेंट में ऐसा कुछ कर दे कि आपने तो मर्डर किया है तो क्या वो डिफेमेटरी होगा वो नहीं होगा कब नहीं होगा अगर मैंने सच में किया होगा मर्डर ठीक है तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि भैया मैं झूठ नहीं कह रहा मैं तो रिपोर्ट्स लिखी हुई है मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं तो एक फैक्ट कोट uh, कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है या आप किसी एक व्यक्ति को किसी भी आप एक किसी लीडर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर खड़े होकर के और उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो उसके ऊपर सच में कोई क्रिमिनल केस चला था या कन्विक्ट भी हो गया था और आप वही बात कह रहे हैं तो तो ये डिफेमेशन नहीं है डिफेमेशन का पब्लिश कर रहे हो सामने वाले की रेपुटेशन खराब करने के लिए तो वो डिफेमेशन है ठीक है अगर कहीं भी सच है तो डिफेमेशन नहीं है फिर आता है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेटिफ मस्ट रेफर टू कि जिसको जिसको डिफेमेशन जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन किया है ना उसी को डिफेमेटरी लगना चाहिए उसके अगेंस्ट डिफेमेशन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मान लो मैं कह रही हूँ कि फलाने व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा क्या है करप्ट इंसान है तो उस फलाने व्यक्ति की तरफ वो इंटेंडेड होनी चाहिए उसी को रेफर कर रही होनी चाहिए मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि मैं उसका या तो डेजिग्नेशन बता दूं इस पर्टिकुलर कंपनी में कि यार वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है ना वो बहुत करप्ट इंसान है या मैं ऐसा कह दूं कि वो मिस्टर एक्स जो है ना बहुत करप्ट इंसान है तो वो डिफेमेशन है क्यों क्योंकि वो रेफर कर रहा है डायरेक्टली प्लेटिव को या उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट मैंने स्टेटमेंट दिया है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं जैसा मैं कह दू यार वकील तो तो चोर होते हैं ठीक है है? तो ये क्या है ये ये क्या डिफेमेशन नहीं है क्यों डिफेमेशन है मैं एक इन जनरल कम्युनिटी को बोल रही हूँ एक क्लास ऑफ पीपल है एक क्लास ऑफ प्रोफेशन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के कुछ लोग हैं जिनको मैं ये बोल रही हूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो आकर के प्लेटिव अगर उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वकील को मैं कहती हूँ तो फिर गलत है ठीक है Ab it must be published. there must be publication, must be published. बिना पब्लिकेशन के डिफेमेशन होता ही नहीं है आप एक बंद कमरे में किसी को दलील करके चले जाओ दैट इज नॉट डिफेमेशन अनलेस या दिस रिकॉर्डेड फॉर ऑफ पब्लिशिंग जब तक पब्लिश नहीं होगा ना आपका किया हुआ डिफेमेशन तब तक डिफेमेशन डिफेमेशन होगा ही नहीं तब तक वो सिर्फ क्या है अकेले कमरे में ह्यूमिलिएशन ठीक है तो अगर आपको किसी को इंसल्ट करना है अकेले में जाके करो पब्लिक में करोगे करो, तो आपके ऊपर क्या आ सकती है लाइबिलिटी आ सकती है चलो अब आते हैं अच्छा डिफेमेशन में इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी ये बात याद रखना इंटेंशन इज़ इंटेंशन डिफेमेशन में इमीरियल होगी आपने किस इंटेंशन से बात कही वी डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट यू सेड समथिंग व्हिच वाज इनकरेक्ट एंड यू पब्लिश इट एंड इट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन तो अब आपने डिफेमेशन कमिट किया है और आपके पास कोई डिफेंस था वो कोई भी अवेलेबल नहीं है तो अब आपको क्या होगा आपका होगा प्रोसिक्यूशन चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं नेक्स्ट है है क्या क्या है? कि आपने जस्टिफिकेशन ऑफ दिया ठीक मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कोट किया है तो फिर वो डिफेमेशन नहीं होगा जैसा कि मैंने बोला कि कोई मुझे मर्डर बुलाए अगर मेरे ऊपर सच में मर्डर का केस हुआ है मैंने सच में कन्विक पाई गई हूँ मर्डर के केस में तो देन आई कैन बी देन इट विल नॉट बी डिफेमेशन बिकॉज दैट इज अस फैक्ट ठीक है अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए संजय दत्त हैं जैसे ठीक है अक्सर संजय दत्त को लोग ऐसे कहते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल अंडर दी एक्ट विच मेड हिम जो उनके उनके टेर, ऊपर चार्जेस लगे थे ना वो चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है जब वो आर्म्स एक्ट में पकड़े गए थे वो टाडा में नहीं पकड़े गए थे अगर टाडा में पकड़े जाते तो टेररिस्ट आप उन्हें कहते कह, कह देते वो आर्म्स एक्ट में पकड़े गए थे आपने उनको जबरदस्ती टेररिस्ट बना दिया तो अगर आप किसी आप उनका अगर आप उनको टेररिस्ट एक अखबार वाले लिख देते हैं कि संजय दत्त हु वाज वंस अ टेररिस्ट इज बीइंग मेड पॉपुलर फिल्म मेकर राजू मेकिंग ऐसा कुछ लिख देता है कोई अखबार वाला तो फंस जाएगा क्यों है. हेल्ड लाइबल अंडर आर्म्स एक्ट एंड नॉट चीज ये डिफरेंस है अगर आप फैक्ट कोट कर रहे हो तो दैट इज फाइन लेकिन अगर आप फैक्ट से डेलिक्वेंट हो गए तो देन इट इज नॉट डिफेमेशन दूसरा है फेयर कॉमेंट आप फेयर कमेंट करते हैं मैं सिंपल सी बात कह रही थी। मैं ये थी कि अरे यार वो जो फैकल्टी है ना वो अच्छा नहीं पढ़ाती है उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं देन इट इज नॉट डिफेमेशन फेयर कमेंट व्हाई आई एम मेकिंग अ फेयर कमेंट बिकॉज आई वांट कि ये चीजें करेक्ट हो जाए ठीक है दूसरा तीसरा है प्रिविलेज प्रिविलेज क्या है एब्सोलूट प्रिविलेज क्वालिफाइड प्रिविलेज प्रिवेलेज्स प्रिविलेज वो है जहां पर आपके ऊपर कोई रोक नहीं कोई पाबंदी नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या है आपके पर आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्श है ठीक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वगैरह उसके एक एज्जाम्पल्स है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगला टॉपिक है हमारा न्यूसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूसेंस न्यूसेंस का क्या मतलब है क्या इसल uh, है ये सब अपन अभी देखते हैं अब अगर न्यूसेंस की बात करें तो सबसे पहले तो काइंड ऑफ न्यूसेंस पे चलते हैं ठीक है न्यूसेंस वन थिंग कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस द अदर थिंग इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस ठीक है नाम से ही क्लियर है जब इन जनरल पब्लिक एट लार्ज को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं और जब सिर्फ किसी इंडिविजुअल को या कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम हो रही तो उसे आप क्या कहोगे प्राइवेट प्राइवेट न्यूसेंस कहोगे ठीक है मैं और मेरे घर में रहने वाले हम पांच लोगों को किसी पड़ोसी के बर्ताव से प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे कहेंगे प्राइवेट न्यूसेंस लेकिन किसी एक पड़ोसी की वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है तो हम उसे कह सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस ठीक है अब न्यूसेंस का खुद का मतलब क्या है न्यूसेंस का अर्थ है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद enjoyment of a property, ठीक है अनलॉफुल इंटरफेरेंस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ लैंड और सम राइट ओवर इट और इन कनेक्शन विद इट जब भी आप किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वो क्या करे मान लीजिए आप सबका अधिकार है आप क्लासरूम में बैठकर क्या आराम से क्लास ले रहे हैं कोई दो बच्चे आ रहे हैं बार बार आते हैं क्लास के अंदर लाइट ऑफ करके चले जाते हैं बार बार आते हैं क्लास में दरवाजा बजा करके चले जाते हैं बार बार आते हैं आकर के बाहर से पानी डाल करके चले जाते हैं ठीक है बार बार आते हैं किसी बच्चे का नाम चिल्ला करके जाते हैं ये क्या है ये न्यूसेंस है क्यों क्योंकि आपके पहली बात वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हैं ठीक है थीके? उनके पास कोई तो रीजन नहीं है उस इंटरफेरेंस का ये जो दरबार नॉक कर जा रहे हैं इसके लिए उनके पास में कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है पहली चीज दूसरी चीज क्या है आपका एंजॉयमेंट का अधिकार है आपने फीस पे करिए आप लेक्चर देखने आए हैं आप पढ़ने आए हैं यहाँ पर आपका अधिकार है कि आप शांति से बैठ करके उस लेक्चर को अटेंड करें तो ये उस आपके अधिकार में उस प्रॉपर्टी के इस क्लासरूम जो कि एक प्रॉपर्टी है या आपका जो अधिकार है इस प्रॉपर्टी के ऊपर कि आप तो पीसफुली क्लास उसको इनप्रिंज कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे हम इसे न्यूसेंस कहेंगे अब न्यूसेंस जो है ना टैंजिबल और इनटेंजिबल कैन बी डन बाय टैंजिबल और इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स जिबल का अर्थ क्या होता है ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं इन टेंजिबल का होता है जिनको हम देखे छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं अब टेंजिबल चीजों के साथ में इन, आ, कैसे होगा आपका इंटरफेरेंस एक सेकेंड रुकना कॉमेंट में पढ़ लू एक बार गुड इवनिंग मैम मैम आपकी क्लास डेली क्यों नहीं आती है आपका हम डेली वेट करते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो थैंक्स लॉर्ट लीगल एडवाइजर अभी चिंता मत करो अभी मैं डेली आऊंगी अभी एक महीना जब तक आप लोगों का बिहार और आपका उत्तर प्रदेश नहीं खत्म हो जाता है यू विल सी मी ऑलमोस्ट एवरी डे ठीक है हर थोड़े थोड़े दिन में मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई नया सब्जेक्ट क्रैश कोर्स के लिए लेकर के आऊंगी मैं आपको कुछ क्रैश कोर्स के सब्जेक्ट है वो बता भी देती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर्बिट्रेशन कंपनीज एक्ट इक्विटी ट्रस्ट ईजमेंट ये सारे सब्जेक्ट्स हम खत्म करेंगे ठीक है कुछ बिहार जुडिशरी में है कुछ उत्तर प्रदेश जुडिशरी के लिए है हम इन सारे सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स लेंगे इन सबको मैं ही पढ़ाऊंगी आपको ठीक है तो अभी मैं आपको इस महीने बहुत दिखूंगी यूट्यूब पे आराम से दो दो तीन तीन घंटे के लिए ठीक है तो परेशान मत हो एंड ज्वाइन करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना आप उसको ज्वाइन कर लीजिए लीगल एडवाइजर वहां पे आपको जब भी कोई अपडेट आएगा ना एक तो बेल आइकन प्रेस कर लो यहाँ पर आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लो जब भी नोटिफिकेशन होगा किसी भी लाइव का तो आपको मिल जाएगा दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जब लाइव होने वाला है उसके एक दिन पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे आज मेरा लाइव था तो आपको कल रात नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज मेरा लाइव होने वाला है सुबह आपको फिर उसका रिमाइंडर मिल जाएगा लाइव शुरू होने के दो मिनट पहले आपको फिर उसका रिमाइंडर मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से यू कैन स्टे कनेक्टेड विद जब भी हम में से कोई भी फैकल्टी लाइव ले रहा है जिस भी सब्जेक्ट का ले रहा है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है चलिए अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर विच कहता है और नॉन टेंजिबल में आपको एक्सप्लेन करती है थी टेंजिबल ठीक है टेंजिबल चीजें क्या है वो चीजें हैं जिनको आप छू सकते हो देख सकते हो अगर आप किसी ऐसी चीज के थ्रू न्यूसेंस क्रिएट करते हो जो कि छू ही जा सकती है देखी जा सकती है तो वो टैंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू इंटरफेरेंस एग्जाम्पल देती हूँ आप क्लासरूम में बैठे हुए हो हु, एक बच्चे ने उठा कर खिड़की से पत्थर फेंक करके मार दिया पत्थर क्या है टेंजिबल ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया न्यू क्रिएटिंग न्यूसेंस बाय ऑब्जेक्ट ठीक ऑब्जेक्ट्स ठीक है या फिर कोई पेपर की बॉल उठा उठा कर फेंक के मार रहा है कोई आपके ऊपर तो वो सब क्या हो गया टेंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू न्यूसेंस हो गए इन टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या है कोई व्यक्ति रोज आपके घर के बाहर कचरा डाल करके चला जाता है उस कचरे की वजह से बहुत स्मेल आती है ठीक है स्मेल जो है देख तो सकते नहीं उस स्मेल को या आपके घर के पीछे मान लो आपके घर के पीछे उधर कोई दीवार है जो जिससे आपको दिख तो नहीं सकता कचरा लेकिन स्मेल उसकी आती है विंडो से तो ये क्या हो गया स्मेल जो है ओडर जो है या लाइट जो है वो सब चीजें क्या है इंटेंजिबल जिनको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हो तो अब आप, आप इन चीजों को छू के तो महसूस नहीं कर करते लेकिन इनकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ठीक है आपकी हेल्थ में आपके एंजॉयमेंट में आपके शांति से रहने में इन सब चीजों को भंग किया जा रहा है तो ये आपके इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनके थ्रू न्यूसेंस क्रिएट करा जा सकता है ठीक है ना आई होप

टॉट न्यूसेंस और ट्रेस पास दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अब आपको लगेगा मैम क्या हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए और कोई आकर के सामान फेंक के चला जा रहा है तो ये ट्रेस पास नहीं है या कोई मेरी प्रॉपर्टी पे कचरा फेंक के जा रहा है तो क्या ये ट्रेस पास नहीं है तो अब ट्रेस पास में और न्यूसेंस में डिफरेंस है ठीक है पहला डिफरेंस क्या है द इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट इन द रोंग ऑफ ट्रेस पास ट्रेस पास का अर्थ क्या होता है आपकी प्रॉपर्टी है मैं उस प्रॉपर्टी पे आ ही गई ठीक है ये क्लासरूम है बच्चा क्लासरूम के अंदर घुस करके आ गया और किसी बच्चे से बदतमीजी कर जाए ये हुआ ट्रेस पास क्यों क्योंकि ट्रेस पास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है न्यूसेंस में इनडायरेक्ट होता है ठीक है इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है इन द द इंटरफेयर इफ इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट द रॉन्ग इज ट्रेस पास एंड इफ इट इज कंसिक्वेंशियल इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस ठीक है अगर कॉन्सिक्विक्वेंशियल ट्रेस पास हो रहा है जैसे कचरा फेंकने वाली बात है आप क्या ट्रेस हो सकता है न्यूसेंस होगा क्यों क्योंकि उस कचरे के डालने की वजह से स्मेल आ रही है जिस स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कॉन्सिक्वेंस जो उसने किया ना उस काम के कॉन्सिक्वेंस से आपको प्रॉब्लम है तो जब कॉन्सिक्वेंस से प्रॉब्लम होगी तो न्यूसेंस होगा जब आपको उस पर्टिकुलर काम से ही प्रॉब्लम है तो वो ट्रेस पास हो जाएगा चलो अब आते हैं जैसे देखो अगर आप अपने घर के आंगन में पेड़ लगा रहे हो तो ये क्या है ये तो आप मतलब आपने किसी और की प्रॉपर्टी में जाकर के पेड़ लगा दिया ठीक है तो ये आपका क्या हो गया ट्रेस पास करना हो गया तुम भाई तुम्हारे घर में लगाओ ना पेड़ मेरे घर में आके पेड़ को लगा रहे हो लेकिन मैंने अपने घर में पेड़ लगाया मेरे पेड़ के जो ब्रांचेस हैं जब वो बड़े हो गए तो अगले वाले के मेरे घर की बाउंड्री क्रॉस करके अगले वाले के वहां पर गिर रहे हैं ठीक है थीके? और उसकी वजह से उसके यहाँ पे सूखे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ फल खराब हो रहे हैं तो वो गिर रहे हैं चिड़िया बैठ रही है चिड़िया आकर के वहां पर बीट कर रही है तो उन सब चीजों से गंदगी हो रही है उसकी कार के ऊपर वो गंदगी हो रही है अब उसको अगर इन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या हो गया ये न्यूसेंस हो गया ठीक है समझ में आया फर्क कि किसी और की प्रॉपर्टी में जाके पेड़ लगा दो तो वो न्यू वो ट्रेस पास है लेकिन आपने अपने घर में पेड़ लगाया लेकिन आपके पेड़ की ब्रांचेस अगले के घर तक जा रही हैं और उसकी वजह से अगले के घर में गंदगी हो रही है तो ये न्यूसेंस हो गया ठीक है दूसरा इसका एग्जांपल है ट्रेस पास इज इंटरफेरेंस विद पर्सन पोजेशन ऑन दी लैंड यानी कि जब आप उसकी पोजेशन से ही इंटरफेयर कर लो तो वो क्या हो जाएगा ट्रेस पास uh, हो जाएगा वेर एज न्यूसेंस वेर इज विद यूज और एंजॉयमेंट ये जमीन है आप इधर जमीन पे जाकर के रोज धरना दे दो या रोज बैठ जाओ या रोज यहां बैठ करके चाय पीने की ख्वाहिश करो या रोज यहां बैठ के गंदगी करो तो ये तो ट्रेस पास हो गया लेकिन आप बैठे अपनी प्रॉपर्टी पे ये आपकी प्रॉपर्टी है आप अपनी प्रॉपर्टी में बैठे हो लेकिन यहां पर क्या कर रहे हो यहां पर कचरा बर्न कर रहे हो ठीक है यहां पर आपने कचरा जला दिया अब उस कचरे की वजह से इधर तक धुआं जा रहा है तो ये क्या हुआ ये न्यूसेंस हुआ कि रहे आप अपनी प्रॉपर्टी में जब भी आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर लैंड के ऊपर धाबा बोलते हो ना तो वो ट्रेस पास कहलाता है लेकिन जब आप किसी और इंसान का खुद की प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट पे धावा बोल दो या उसको इफेक्ट कर दो तो वो न्यूसेंस हो जाता है ठीक है फिर तीसरा डिफरेंस है कि जो अपने एक्सप्लेन कर भी दिया कि ट्रेसपास जो है वो हमेशा टैंजिबल ऑब्जेक्ट से होगा ठीक है टैंजिबल ऑब्जेक्ट कैसे कि आपने किसी और के घर में जाकर के पेड़ ही लगा दिया पेड़ टैंजिबल ऑब्जेक्ट है आप किसी के घर में गए आपने किसी घर में जाकर के कुर्सी उर्सी लगा करके आप खुद ही बैठ गए आप जाते हो रोज बाउंड्री कूद करके उसके घर में कूद जाते हो तो ये क्या है ये सब ट्रेस पास है और आपका इन न्यूसेंस क्या है न्यूसेंस दोनों तरीके से हो सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बोला कि न्यूसेंस कुछ सामान फेंक के टेंजिबल ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है और कुछ आपने कचरा जलाया और उसकी वजह से आपके घर में धुआं आ रहा है तो इन टेंजिबल ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकता है फिर है चौथा डिफरेंस अपार्ट पास इज एक्शनेबल परसे ट्रेस पास क्या है एक्शनेबल पर्सी एक्शनेबल पर पर से का मतलब क्या होता है कि आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ठीक है आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं बिना एविडेंस के भी क्या होगा सॉरी uh, uh, एक सेकेंड नॉट एक्शनेबल पॉलिसी है ये ठीक है नॉट एक्शनेबल पॉलिसी न्यूसेंस कभी भी पोर्सी Actionable नहीं होगा आपको दिखाना पड़ेगा पड़ेगा कि यार अगले के घर का पेड़ मेरे घर में आ रहा है तो ये पेड़ में केबल्स उलझे हुए ये उलझ जाते हैं हिल जाते हैं मेरे घर में केबल कट जाती है मेरे घर की फोन लाइन कट जाती है मेरे घर में मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है मेरा आ, क्या कहते हैं वो नहीं चलता वाईफाई नहीं चलता ये आपको प्रूव करना पड़ेगा तो जब आप को कोई चीज प्रूफ करनी पड़े तो वो एक्शनेबल पर्स नहीं होता जब आपको प्रूफ देना ना पड़े ना प्राइम ऑफ समझ ही आ जाएगी हाँ ये तो हो ही रहा है अब आप किसी घर में जाकर रहने लग जाओगे बिना उससे परमिशन के बिना किसी लॉफुल उसके तो वो तो दिख रहा है सामने ट्रेस पास है तो ट्रे, ट्रेस पास क्या है एक्शनेबल पर्स है यानी कि एक्ट कमिट हो रहा है तो उसको आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है आपको सीधे सीधे वो उसके लिए रेमेडी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल डैमेजेस प्रूव करने पड़ेंगे के न्यूसेंस 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 के केस में ठीक है है अब प्राइवेट नूस, और प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक जो है, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया हुआ है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो जब भी अगर आप पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस क्रिएट करोगे ना तो पुलिस धर के लेकर के जाएगी आपको क्यों आप कभी जाओ और किसी पब्लिक गार्डन में कचरा फेंको जिस दिन कंप्लेन होगी उस दिन म्यूनसिपाली वाले उठा करके लेके जाएंगे पुलिस के साथ में आकर क्यों क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है प्राइवेट न्यूसेंस एक सिविल ऑफेंस है इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बनाया क्योंकि पब्लिक इन जनरल बहुत सारे लोग अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर अगर हर एक व्यक्ति सिविल सूट डाले जाएगा तो बहुत मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट हो जाएगी है ना बहुत सारे सूट हो जाएंगे इसलिए सूट से बचने के लिए हमने उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया लेकिन फिर भी अगर किसी पब्लिक न्यूसेंस की वजह से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति कोर्ट अलग से जा सकता है एंड देन उस व्यक्ति के केस में हम उस पब्लिक न्यूसेंस को प्राइवेट न्यूसेंस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इन जनरल पब्लिक एट लार्ज की बात होगी तो उसको पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा और उसके लिए क्रिमिनल केस फाइल होगा। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अपना पब्लिक न्यूसेंस पढ़ लिया अपन ने प्राइवेट न्यूसेंस पढ़ लिया इसेंशियल पढ़ लिए हैं अब है अपना डिफेंसेस क्या अवेलेबल है अच्छा डिफेंसेस में दो तरह के डिफेंसेस बताए हुए हैं एक है इफेक्टुअल डिफेंसेस और एक है नॉन इफेक्टुअल डिफेंसेस ठीक है इफेक्टुअल डिफेंसेस क्या है प्रेस्क्रिप्शन ऑफ राइट टू कमिट अ न्यूसेंस यानी यानी कि अगर इफेक्चुअल डिफेंसेज वो है जिनके बेसिस पे आपको तो रिलीफ मिल जाएगा यानी कि आपके पास अगर मुझे अगर मैं लाइबिलिटी अवॉइड करना चाहती हूँ मैंने कोई न्यूसेंस कमिट किया अब कोर्ट पे जब मेरे ऊपर केस हुआ तो मैं चाहती हूँ सजा ना मिले तो मैं डिफेंस दूंगी अपना defenses क्या है वो defenses जिनकी वजह से मुझे लाइबिलिटी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा या मेरे को लाइबिलिटी नहीं दी जाएगी डिफेंस इफेक्स पहला है प्रेस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस अ राइट टू डू एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए न्यूसेंस कि अगर आप बीस साल से देखा है ना बीस साल से अगर किसी की प्रॉपर्टी पर अगर आप रह रहे हो ठीक है और फिर आप वो प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देते हो तो ये क्या है ये बेसिकली आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो या आप 20 साल से एक प्रॉपर्टी पे रहते हो उसके बगल में एक रास्ता है उस रास्ते से आना जाना आपका राइट हो गया है बाय प्रेस्क्रिप्शन राइट हो गया है अब एक दिन सडनली अगर कोई उसको रोक देता है आकर के तो ये न्यूसेंस होगा है ना और आप इसका डिफेंस दे सकते हो मतलब किसी व्यक्ति का रास्ता अगर आप रोक देते हो तो वो आपको कहेगा कि आप न्यूसेंस क्रिएट तो कह दोगे नहीं भैया मैं बीस साल से इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूँ अधिकार है, है तो आप उसको डिफेंस के तौर पर यूज कर सकते हो फिर है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी एंड एक्ट देट डिफेंस इफ इज नेसेसरली इंसिडेंट टू वॉट हैजोराइज बाई बाई अर Uh, there is no liability for that under any uh, under the law of torts. does a railway company authorize the uh, run uh, authorized to run rail uh, rail tracks. Uh, it is not available if in spite of the due care, the spark देखो अब क्या है इसमें कि इस सिचुएशन दी हुई है कि मान लो आप मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ कि अगर पुलिस uh, जो uh, आपकी uh, कई बार आप देखते हैं पेड़ बहुत बढ़ जाते हैं तो जो uh, municipal uh, municipality वाले हैं वो खुद आकर के पेड़ काट

अब आपको क्या करना चाहिए आबादी को खुद ऑटोमेटिकली पीछे हो जाना चाहिए था रेलवे ट्रैक से लेकिन वो नहीं हुई वहां पर उन लोगों ने क्या किया कुछ बुशेस काट करके रख दिए अब उन बुशेस की वजह से सूखे बुशेस की वजह से जब ट्रेन चली ट्रैक पर स्पार्क उठा बुशेस में चला गया बुशेस जल गई और उसकी वजह से कुछ और हिस्से जल गए तो ये क्या होगा ये आप उसके लिए लाइबल नहीं हो क्यों क्योंकि वहां पर अगर वो बुशे क्लीन करना इनका काम होता जिन लोगों ने रेलवे ट्रैक्स डाले हैं और वो इन बुशेस को क्लीन नहीं करते तो फिर उनकी लाइबिलिटी मानी जाती लेकिन अगर उनका काम नहीं था तो रेलवे कंपनी क्या नहीं होगी लाइबल नहीं होगी ठीक है तो स्टेट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो एक दूसरा डिफेंस है अब इन इफेक्चुअल डिफेंसिस क्या है न्यूसेंस ड्यू टू दस इफ देर इज इफ देर इज न्यूसेंस बाई अ पीपल लिविंग देखो अब आप कहो कि यार पहले तो ना मैं यहाँ कचरा डालता था अब जनरली ऐसा होता है ना कि आपके होता है एक इंसान गाय को रोटी देना शुरू करता है अपने घर के बाहर उसके चक्कर में दस लोग और वहां पर जूठा डालना शुरू कर देते हैं लेकिन वो जहाँ आप जूठा डाल रहे हो वहां किसी और एक इंडिविजुअल का घर है कल को वो वा, वहां पर अपने प्लॉट पे घर बना लेता है गाय रोज आ रही है गोबर भी करके जा रही है और खाना भी लोग गंदा गंदा डाल के जा रहे हैं पुराना बासा वहां पर तो इसकी वजह से इसमें आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हो कि भैया जब तक मैं अकेला कर रहा था तब तक प्रॉब्लम नहीं थी आपके सौ लोग और भी करने लगे ना इसलिए प्रॉब्लम हो गई है या गाड़ी जो है आप नॉन पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करते हो और फिर आप पुलिस से ये कह रहे हो कि भैया अकेली मेरी गाड़ी क्या डिस्टर्ब करती है अब वो सबने पार्क कर दिए तो इसीलिए डिस्टर्बेंस है तो ये आप नहीं कह सकते हो आपका खुद का एक्ट अपने आप में टॉट है ठीक है आपका अपना एक्ट अपने आप में न्यूसेंस है आप ये नहीं कहोगे कि मेरा एक्ट तो न्यूसेंस नहीं था लेकिन क्योंकि सौ और लोगों ने वही चीज कर दी ना इसलिए न्यूसेंस हो गया है तो ये एक डिफेंस आप नहीं ले सकते हो पब्लिक गुड का डिफेंस आप नहीं ले सकते हो कि आपने जो किया वो पब्लिक गुड के लिए किया रीजनेबल केयर का डिफेंस आप नहीं ले सकते हो ठीक है और प्लेन हिमसेल्फ केम टू न्यूसेंस ये भी डिफेंस आप नहीं ले सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका इसके साथ में न्यूसेंस भी खत्म अब अपने पास में बचता है एक ऑफेंस नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस जो है लास्ट चीज इसमें ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी ठीक है नेग्लिजेंस का मतलब क्या है अपने काम को पूरे कर पूरी निपुणता के साथ नहीं करना ठीक है पूरी आ, आपने किसी काम आपको कोई काम दिया गया आपने उस काम को पूरे कौजन के साथ नहीं किया ठीक है तो दैट इज नेग्लिजेंस आपको गाड़ी चलाने को कहा गया था आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया आप बाइक चला रहे थे आपने हेलमेट नहीं लगाया इंडिकेटर नहीं दिया सही साइड पे नहीं चला रहे थे ये सब क्या है negligence है स्पीड लिमिट थी वो मेंटेन नहीं कर रहे थे कंडक्ट ऑफ अ प्रूडेंट मैन एंड रीजनेबल मैन वुड नॉट डू सो यानी कि ऐसा कोई भी काम जो आपको करने के लिए कहा गया था या जो आपको करना चाहिए था और और आपकी जगह अगर कोई प्रूडेंट मैन होता तो वो करता अगर आप हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर तो हमारे इंडिकेटर देना है नहीं तो हाथ देना है ठीक है तो ये सब चीजें क्या प्रूडेंट मैन करेगा जिसे पता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, आपको पता है आपको अंडर एटीन को गाड़ी नहीं चला देना आपको पता है ठीक है आप ये सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना आपको ये पता है तो ये सब क्या है अगर आप इनमें से किसी चीज को नहीं करते हो आप फोन पे बात करते करते गाड़ी चला रहे हो क्या नेग्लीजेंस है तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जो कि एक प्रूडेंट आदमी करता ठीक है उसको करना चाहिए था वो काम अगर आप नहीं करते हो तो आप नेग्लिजेंट कहलाओगे ठीक है द डिफिनेशन इन्वॉल्व थ्री कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ नेग्लिजेंस one is legal duty to exercise due care on the part of the party complained of towards the party complaining the former conduct within the scope of the duty dusra ब्रीच ऑफ सेट ड्यूटी यानी कि एक इंसान के ऊपर क्या होना चाहिए एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए और उस लीगल ड्यूटी के अंतर्गत उसे कुछ ड्यू केयर एक्सरसाइज करनी थी और उसने वो नहीं करी ठीक है तो ये पहली बात जब आप किसी को नेग्लीजेंस के लिए जिम्मेदार मानना चाह रहे हो मन, आ, बनाना चाहते हो तो आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर इस काम को करने के लिए लीगल ड्यूटी थी और इसे प्रिस्क्राइब था कि इस लीगल ड्यूटी को पूरा करते टाइम उसको ये ड्यू केयर रखना मतलब ये चीज का ध्यान रखना है दूसरा there was a breach of duty. दूस, दूसरी बात क्या कि ये जो जो थी थी ना इसको इसको इसने पूरा नहीं किया. करनी और तीसरा देर इज यानी कि क्योंकि आपके ऊपर ड्यूटी थी आपने उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो ये क्या हो जाएगा नेग्लिजेंस का एम्बिट में आ जाएगा ठीक है और नेग्लिजेंस कमिट हो जाएगा

कर दूंगी आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी चलो बाय गाइज है ग्रेट डे आई होप सबको समझ आया किसी को कोई डाउट्स नहीं अगर आपको डाउट्स है तो मैं दो मिनट ऑनलाइन रह रही हूँ आप मुझे अपने डाउट बता दीजिए यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट चैट में बता दीजिए एंड द सेशन I hope everybody is clear. Bye guys. Have a great day.